हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जहां पे हम लोग जीन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, मेंडल्स के लॉस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी ले ली होगी सब लोगों ने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लाइन टू लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, क्या बोल रहा है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट? ऑब्वियसली बात है, कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी तुम्हें हैरानी हुई है? व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट? एक एलिफेंट बेबी एलिफेंट को ही बर्थ क्यों देता है? तो ऑब्वियसली बात है, बेबी एलिफेंट इंसान को जन्म क्यों नहीं देता, या इंसान बेबी एलिफेंट को जन्म क्यों नहीं देता? यानी कि एक प्रजाति का जो जानवर है वो अपनी प्रजाति की जैसे दिखने वाली चीजों को ही क्यों जन्म दे रहा है, एंड नॉट सम अदर एनिमल? ठीक है ना, किसी और एनिमल को जन्म वो क्यों नहीं दे पाता है? और वाई आर मैंगो, यानी कि हम यहां पर एक चीज सोच सकते हैं कि अगर हम एलिफेंट का, या ऐसे समझ लें बिल्ली का और कुत्ते का क्रॉस कराने की कोशिश करें, यानी कि बिल्ली का ओवम और कुत्ते का स्पर्म लेके मिक्स भी कराने की कोशिश करें, तो भी क्या होगा? फर्टिलाइजर अगर हम करा भी देंगे तो किसी टाइप का कोई जानवर पैदा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? बात समझ में आ रही है? यहां पर ये लाइन क्या कहना चाह रही है? अगर हम दो अलग अलग प्रजातियों के स्पर्म और ओवम को मिला भी दें किसी तरीके से, या उनको क्रॉस करा दें, तो कुछ में तो होता है, जैसे डोंकी और हॉर्स में हमने पढ़ा था क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन उसमें भी वो इनफर्टाइल था। उसमें वो क्या था? इनफर्टाइल था, वो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता था। तो ऐसा क्यों होता है? और वाई मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली ए मैंगो? ठीक है, यानी कि मैंगो सीड सिर्फ मैंगो प्लांट ही क्यों पैदा कर रहा है, नॉट एनी अदर प्लांट? तो ये सारी कहानियां कि आखिरकार इन सब की जड़ कहां पर है, कौन सी ऐसी चीज है इंसान के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो ये कंट्रोल करती है कि तुम अपने ही जैसा पैदा करोगे, दूसरा पैदा नहीं कर पाओगे। मुद्दा समझ में आ रहा है कि चैप्टर किस बारे में होने वाला है? ठीक है ना, यानी कि हम लोगों के अंदर का एक रहस्य खुलने वाला है कि जानवर अपने ही जैसी चीजों को पैदा क्यों करता है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है? गिवन दैट दे डू आर द ऑफरिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। क्या रहा है? गिवन डैट दे डू, वो अपने ही जैसा, जो ऑफरिंग मतलब बच्चे, ऑफरिंग मतलब जो वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्या रहा है? गिवन डैट दे डू आर द ऑफरिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्या जो ऑफरिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के? जैसे कि हम लोग अगर बात करें बैक्टीरिया में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह आइडेंटिकल होते हैं, और दे शो सम डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पे सीधी सीधी बात कह रहा है, क्या बच्चे जो होते हैं वो आइडेंटिकल हैं पेरेंट्स के, या कुछ डिफरेंसेस उसके अंदर मौजूद हैं? ठीक है, आगे आते हैं, आप क्या सवाल कर रहे हैं? तो मैं हमेशा बताता आता हूं कि एनसीईआरटी हमसे क्या करती है, बात करती है, वो कुछ सवाल क्रिएट कर रही है। यहां पर क्या क्रिएट कर रही है? सवाल क्रिएट कर रही है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, जो आपस के भाई बहन है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। Have you ever wondered, क्या कभी तुम्हें हैरानी हुई है? Siblings something sometimes look so similar to each other। कई बार जो भाई बहन होते हैं काफी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, और sometimes even so different। और कई बार ऐसे होते हैं हम कहते नहीं कि ये लोग आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, या दो आपस में भाई भाई हैं। कई बार तो बिल्कुल देख के बता देंगे हाँ ये दोनों भाई भाई हैं और या भाई बहन है, और कई बार शक्लें इतनी नहीं, इतनी अलग अलग होती हैं कि हम लोग देख के भी नहीं कह सकते। कई बार इवन यहां तक होता है कि एक बहुत ज्यादा फेयर होगा, एक बहुत ज्यादा डार्क होता है, यहां तक भी क्या आता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं ये सब चीजें? तो अल्टीमेटली अगर हमें क्वेश्चन वाइज देखें, कुछ क्वेश्चन कर रहा है ये हमसे कि आखिरकार हाथी का बच्चा हाथी हाथी के बच्चे को क्यों पैदा कर रहा है, इंसान के बच्चे को पैदा क्यों नहीं कर पा रहा, बच्चे अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल क्यों नहीं दिखते, मैं अपने पापा या मम्मी की तरह नहीं दिखता होगा, आप लोग अपने पापा मम्मी की तरह नहीं दिखते होंगे, या कई बार ऐसा होता है कि दिख जाते होंगे, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होगी। आखिरकार ये सब चीजें, अल्टीमेटली बात ये आ रही है इन सब चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात थोड़ा बहुत आप लोगों के जहन में आ गई होगी कि हम यहाँ पे जीन्स के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, आगे आते हैं। दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सवाल और काफी सारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, आर डील्ड विद साइंटिफिकली, इनको हम लोग डील करते हैं साइंटिफिकली, है ना, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास कि हाँ आप कुछ भी बोल दिया, साइंटिफिकली इनको डील किया जाता है इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। कहां पर इन सब तरह के क्वेश्चंस की डीलिंग होती है? जेनेटिक्स नाम की ब्रांच है एक बायोलॉजी की, जहां पर हम लोग क्या करते हैं,
इस तरह के सवाल को डील करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जेनेटिक्स हमको इन सब सवालों के आंसर देने वाली। जेनेटिक्स यानी कि अल्टीमेटली बात किसकी आ रही है? जीन्स की आ रही है। अल्टीमेटली बात किसकी आ रही है? जीन्स की आ रही है। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल है कि जो माँ बाप से करेक्टर या गुण बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी में वंशानुगत करके कुछ कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाती है हिंदी में, ठीक है ना। तो किस तरीके से, यानी कि यहां पर डील क्या हो रही है कि किस तरीके से माँ बाप के करेक्टर जो है बच्चों में जा रहे हैं, उसके लिए वर्ड आता है क्या? इनहेरिटेंस। जिन लोगों को नहीं पता, हिंदी लिख लें, एनसीईआरटी खोल के बैठे रहो, ठीक है ना। साइड में लिख लो यहां पर इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना कहां से कहां, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, या फिर यू कह लो माँ बाप से बच्चों में, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर पूरी तरीके से भी नहीं जा रहे हैं। मान लो नाक मिल रही है, आंख नहीं मिल रही है, चेहरा थोड़ा बहुत मिल रहा है, ठीक है ना, पापा की हाइट छोटी है, बच्चा बहुत लंबा हो गया, तो कुछ कैरेक्टर तो मिल रहे हैं, इनहेरिटेंस हो रहा है, एज वेल एज वेरिएशन भी आ रहा है साथ साथ में, यानी कि कुछ डिफरेंसेस भी। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, वेरिएशन मतलब जो चीजें अलग अलग होती है, डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चे के अंदर दोनों चीजें आती हैं, कुछ गुण भी आ रहे हैं और कुछ डिफरेंसेस भी क्रिएट हो रहे हैं, जो कि माँ बाप से वो थोड़ा सा अलग होता है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब भी क्या होता है? बच्चे होते हैं। तो कह रहा है इनहेरिटेंस भी क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पास होते हैं, आगे ट्रांसफर होते हैं, कहां से? पेरेंट से प्रोजनी में। फिर कह रहा है इट इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यही क्या है? हेरिडिटी की बेसिस है। हेरिडिटी कुछ और नहीं है जो हम लोग इनहेरिटेंस कह रहे हैं, या हेरिडिटी, ठीक है ना, एक ही चीज होगी। इनहेरिटेंस में क्या होगा? कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, और हेरिडिटी मतलब इसका भी हम लोग मतलब क्या समझ सकते हैं? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, ठीक है ना। तो दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते वर्ड है, एक प्रोसेस है, एक टर्म आ गया हमारे पास। तो ये क्या है? हेरिडिटी की एक तरह से बेसिस है कि किस तरीके से इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होगी और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोल रहे हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री मतलब कितने अलग है, एक ना कितने एंगल से कोई चीज डिफर कर रही है, हम लोग इस बात करते हैं ना। तो ये कह रहा है वेरिएशन इज डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे बात करें हम लोग सिमिलैरिटी, कहां गए यहां पर था हमारे पास, ठीक है, जेनेटिक्स, ठीक है, इनहेरिटेंस हो रहा है यानी कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, और साथ साथ में क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें होती हैं, जब भी कोई कैरेक्टर जाते हैं तो पूरे नहीं जाएंगे, कुछ जा रहे हैं। तो ये सब बातें हम यहां करने वाले हैं, आखिरकार ऐसा कैसे होता है। आगे आए अगर हम लोग तो क्या कह रहा है, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 से 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन जानता है, बहुत पहले से जानता है, 8000 BC पहले से जानता है कि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हिडन कोई चीज छुपी हुई है। कहां छुपी हुई है? इन सब के पीछे जो कारण है वो कहां छुपा हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, ठीक है ना। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज, कितना पुराने जानता है वो? 8000 से 1000 BC, मतलब उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी मतलब जो लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ क्यूरियस होते हैं, खोजते रहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये तो जान लिया कि जो कारण है, वन ऑफ द कॉज, कोई ना जो एक कारण है इस वेरिएशन का, वो कहां छुपा हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। बात समझ में आई? दे एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। अब देखो एक्सप्लॉयटेड का मतलब यहां पर, एक्सप्लॉयट की वैसे जनरल मीनिंग होती है शोषण करना। शोषण करना मतलब देखा जाए किसी चीज का तादाद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना। तो यहां पर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण तो नहीं होगा, यहां पर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? हमने इस वेरिएशन का तादाद से ज्यादा क्या किया? इस्तेमाल किया। डेट वर, इसको एक्सप्लॉयट किया वेरिएशन का, डेट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन, जो कि कहां मौजूद थी? वाइल्ड पॉपुलेशन। वाइल्ड पॉपुलेशन बच्चों होती है जिसमें कोई भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने नहीं कर रखा है, जो नेचुरल है, ठीक है ना। अब क्या है, जो गेहूं वगैरह की जो वैरायटी आ रही है अपने पास आ रही है, वो हाइब्रिड आ रही है, ठीक है। वाइल्ड पॉपुलेशन हमेशा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें किसी भी टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रखा है। तो कह रहा है हमने जो वेरिएशन थे ना नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन, जो जंगली एक तरह से कह लो कि नेचुरली प्रेजेंट है, उसके अंदर जो वेरिएशन वाली चीजें थी उसको हमने एक्सप्लॉयट किया प्लांट की एंड एनिमल की, टू सिलेक्टिवली ब्रीड
एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर। अब देखो यहां थोड़ी कहानी उन्होंने घुमा दी है, क्या कह रहा है, दे किसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो गया, ह्यूमन के लिए, दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशन, उन्होंने वेरिएशन को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन, जो अंतर एक मौजूद था, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट पॉपुलेशन में, जिसको हमने वाइल्ड बोल दिया है, उसको हम लोगों ने क्या किया, इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, सिलेक्टिवली ब्रीड। अब हमने क्या किया, मान लो दो प्लांट है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, प्लांट वन और प्लांट टू, यहां से हमने एक करैक्टर ले लिया और यहां से हमने एक करैक्टर ले लिया, मतलब ये करैक्टर इसके अंदर नहीं, ये करैक्टर इसके अंदर नहीं है, तो क्या आ गया, ये वेरिएशन आ गया। हमने इनको क्या किया, सिलेक्टिव किया, इसका ये लेना है और ये लेना है, मान लो तीन चार तरह के प्लांट है, ये प्लांट थ्री है, ये प्लांट फोर है, सबके अंदर अलग अलग करैक्टर है, ठीक है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं नहीं, हमको ये वाला और ये वाला करैक्टर चाहिए, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करा के क्या करवा दिया, क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने का मतलब है इन लोगों को रिप्रोड्यूस करवाया, इनको ब्रीड करवाया आपस में, ठीक है, एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है, हम लोगों ने वो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए जिसके अंदर डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, जिस पजेस मतलब जिसके पास है क्या डिजायरेबल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने C1 C2 को सिलेक्ट किया, इनको क्रॉस कराया, अब जो यहां से मेरे पास एक प्लांट आएगा उसके अंदर कौन से करेक्टर होंगे, C1 और C2 हमको दोनों देखने को मिल रहे हैं, फिर से समझो लाइन को, दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशन, अलग अलग करेक्टर यानी कि वेरिएशन को उसने एक्सप्लॉइट किया, दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन, वाइल्ड पॉपुलेशन में नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ प्लांट एंड एनिमल दोनों की बात कर रहा है, टू सिलेक्टिवली ब्रीड, अब सिलेक्टिवली इनको क्या कराया, ब्रीड कराया, एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट पजेस, अब जो ऑर्गेनिज्म हमने सिलेक्ट किया ना उसके अंदर पजेस करेंगे डिजायरेबल करेक्टर, डिजायरेबल मतलब जो हम सोचे रखे हैं वो सारे करेक्टर अब इसके अंदर क्या मिलेंगे, हमें मिल जाएंगे एक तरह से, ये लाइन कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना चाह रही है एनसीईआरटी की, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब क्या हो रहा है, हम लोग आर्टिफिशियल यानी कि अपने मनपसंद से इसको चूज कर रहे हैं, इसको चूज कर रहे हैं, एक तो ये हो गया, और डोमेस्टिकेशन मतलब जीव जंतुओं को पालना, फ्रॉम एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज, फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड, अब देखो यहां पे साफ साफ बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको फिर से, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया हमने कि एक ये कैरेक्टर चाहिए, एक ये कैरेक्टर चाहिए, एंड डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मतलब क्या हो गया, जो हम लोग जीव जंतु को पालते हैं उसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं, फ्रॉम एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मतलब जो पूर्वज हैं हमारे, जो पूर्वज जो हमारी पुरानी जो एक तरह से कह सकते हैं पूर्वज काव है ना, थोड़ा बोलते हुए अजीब लग रहा है, जो काव पहले हुआ करती थी, आज के टाइम पे वो काव नहीं दिखती है, क्यों नहीं दिखती है, ये वाइल्ड काव मतलब नेचुरली थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक काव जैसे क्या था, ठंड में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और एक काव दूध ज्यादा दे देती है, तो हमने क्या किया, उन दोनों को आर्टिफिशियली पाला और उनको आपस में क्रॉस करा दिया। अब हमारे पास कुछ ऐसी वेल नोन इंडियन ब्रीड आ गई है, जैसे साहिवाल काउ इन पंजाब, ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया, तो अब साहिवाल काउ जिससे बनी है वो काउ क्या कहलाएंगी, साहिवाल जो एंसेस्टर है इसकी, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, साहिवाल काउ किसी से तो बनी हुई है, वो जो उनके पूर्वज है उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ यहां, एंसेस्ट्रल, बात समझ में आ रही है, तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल यानी कि अपने खुद से नहीं, ये नेचुरल नहीं हुआ, हम लोगों ने जानबूझ के इस वाली काउ को आपस में मेट करवाया, ठीक है, जिससे कि हमको आज प्रेजेंट टाइम पे क्या मिल गया है, साहिवाल काउ इन पंजाब। तो देखो अल्टीमेटली बात क्या हो रही है, अब यहां पर अगर गौर से देखोगे तो क्या चल रहा है, हम लोगों ने क्या चीज शुरुआत कर दी है, दो करेक्टर वेरिएशन वाले उनको लेकर के आपस में ब्रीड करवा रहे हैं, और एक ऐसा तीसरा प्लांट या एनिमल हम लोग लेके आ रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों करेक्टर मौजूद हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इतनी दो चार लाइन में ये सारी बातें बता दी हैं, इतने साल पहले से हमें इसकी नॉलेज थी, फिर हमने वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए नई ब्रीड बनाई, और जिसमें आज की तारीख में अगर एनिमल की बात करें तो वो है हमारे पास कौन, साहिवाल काउ। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हमारी पूर्वज काउ है ना, एंसेस्ट्रल जो पुरानी काउ थी उससे मिला करके हमने एक काउ बनाई साहिवाल, ठीक है ना, जो कि स्ट्रांग भी है और दूध भी ज्यादा देती है और पंजाब में पाई जाती है। फिर कह रहा है, वी मस्ट हाउ एवर रिकग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द
साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना। वो स्पष्ट कर रहा है कि दो, यद्यपि हालांकि हमारे एंसेस्टर जानते थे कि इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है ना, लेकिन करेक्टर का इनहेरिटेंस और वेरिएशन मौजूद है, ये बात उनको पता थी हमारे पूर्वजों को पहले से, लेकिन उनको साइंटिफिक बेसिस उसका नहीं पता था। आजकल ऐसी कौन सी चीज है जो ये करवाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो करेक्टर को आगे लेके आती है, ऐसी कौन सी चीज है जो वेरिएशन करवाएगी। यानी सीधी सी बात है, आज हम जिस बारे में जानते हैं जीन्स, और दूसरी चीज क्या हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर, है ना, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग जानते होंगे, ये कराती है वेरिएशन और ये लेके आती है करेक्टर्स को आगे। इसके बारे में उनको नहीं पता था कि ये चीजें भी हमारी ह्यूमन बॉडीज में या जानवरों के अंदर पाई जाती हैं। यही चीज धीरे धीरे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जीन्स को खोजा गया, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर को समझा गया, यही सारी बातें इस चैप्टर में चलने वाली है। किस साइंटिस्ट ने क्या किया वो सारी बातें हम लोग समझेंगे बारी बारी से। तो फिलहाल एक मोटी सी बात अगर हम बात करूं, जो अभी तक स्टार्टिंग से लेकर के चैप्टर के, क्या उसने चैप्टर में तुम्हारे दिमाग में बात बैसाई है कि आखिरकार क्यों करेक्टर्स हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बात हमको समझ में आ रही है। साथ साथ में क्या हो रहा है, वेरिएशन भी हो रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन, यानी कि साइंटिफिक बेसिस हमको नहीं पता। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, उनको ये तो पता कि ऐसा होता है, बट उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता है। तो आप शुरुआत करें हम लोग मेंडल से। कहानी ये है कि कोशिश तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने की, लेकिन जो सबसे अच्छा काम या कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट रिजल्ट दे पाए वो कौन थे, मेंडल थे, ठीक है ना। बहुत से साइंटिस्ट लगे हुए थे इस काम में, लेकिन सबसे पहली जो पहचान मिली जिनके काम को वो मेंडल थे। तो आप समझते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कह रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी के बीच का समय था, डेट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये हेडवे मतलब कह लो कि एक तरह से चल रहा था कि इनहेरिटेंस को समझने का एक दौर चल रहा था, जिसमें क्या चल रहा था, ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन। अब इन्होंने क्या किया, ये तो एक बात होगी कि मिड 19 में एक दौर चल रहा था, इस तरफ से लोग भाग रहे थे कि आखिर इनहेरिटेंस क्या चीज है। फिर समझते हैं ये क्लाइन तो हो गई, आगे आते हैं ग्रेगर मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल थे, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या कंडक्ट कराया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। तो पहला क्वेश्चन यही है हमारे पास कि उन्होंने गार्डन पी के ऊपर क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया फॉर 7 ईयर। कितने सालों के लिए, 7 सालों के लिए। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट यहां बनता है कि उन्होंने कहां से शुरुआत की। आप सोचो ग्रेगर मेंडल ने 7 साल रिसर्च करके पढ़ा, समझा और अपना रिजल्ट दिया, और हम लोग इसको 15 मिनट में पढ़ के खत्म करेंगे, तो है ना, साइंटिस्ट का काम आसान नहीं होता है। अच्छा, वो टाइम क्या था, 1856 से लेके 1863 का टाइम था। एंड प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या किया, प्रपोज कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि इनहेरिटेंस के कौन से नियम फॉलो करता है, कौन, ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेंस में समझ रहे हो ना कि कौन से नियम है जिनके थ्रू जो हमारे करेक्टर हैं वो आगे पास होंगे। आगे आते हैं, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। कब दिया था, जाहिर सी बात है 1863 के बाद दिया होगा, इस बीच में तो उन्होंने अपना काम किया है। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, मेंडल जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इनटू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो इनहेरिटेंस पैटर्न को, साफ साफ कह रहा है मेंडल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे किसको, इनहेरिटेंस पैटर्न को, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, डेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि बायो के अंदर मैथ्स की चीज इस्तेमाल होने लगी थी। क्या इस्तेमाल होने लगी थी, मैथमेटिकल टूल्स और चीजें इस्तेमाल होने लगी थी। तो साफ साफ लिखा हुआ है, पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड। पहले जो साइंटिस्ट वगैरह थे या फिर जो लोग जियोलॉजी बॉटनी पढ़ते थे, वो जीव विज्ञान के अंदर या बायोलॉजी के अंदर मैथ्स को अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। यहां पहली बार ऐसा हुआ कि मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल किए गए किसको, इनहेरिटेंस को समझने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल डाटा या मैथमेटिकल लॉजिक पहली बार किस लॉ में इस्तेमाल हुए, तो ऑब्वियसली बात है किसमें इस्तेमाल हुए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के दौरान ये इस्तेमाल किए गए, ठीक है ना। वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की प्रॉब्लम में भी क्या लगा दी गई, मैथ लगा दी गई, है ना, पता है ना, तभी तो मैथ को क्या 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 कहा जाता है, क्या कहा जाता है मैथ को, किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, है ना। वो क्या आगे आते हैं, नहीं मैथ को क्यून कहते हैं ना, फिजिक्स को किंग कहते हैं। चलो आगे आते हैं, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, उसके एक्सपेरिमेंट का सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग साइज मतलब उसने गार्डन में बहुत सारे क्या हुआ है,
मटर उगाई, और कम से कम ऐसा नहीं हम लोग तो पढ़ेंगे 2:3:3:1 पढ़ लेंगे, लेकिन एक्चुअली रेशो क्या था, 700-800 तक उसने हजार हजार पौधे उगा करके फिर उनका रेशो लिया था, यानी कि उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा था। उसने 2-4 पौधों पर सर्वे नहीं किया, उसने हजार हजार पौधों पर सर्वे किया, 700-800 पौधों पर सर्वे किया, तो उसका सैंपलिंग साइज काफी बड़ा था, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, यानी कि इस बिग सैंपल साइज की वजह से विश्वसनीयता बढ़ी, कि ऐसा नहीं कि 2-4 में हो रहा है, सब में हो रहा है ये, है ना। जब चीज ज्यादा में देखी जाती है तो एक विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इस लार्ज सैंपल साइज ने क्या दिया, क्रेडिबिलिटी दी, एक विश्वास दिया टू द डाटा डैट ही कलेक्टेड, जो उसने डाटा कलेक्ट किया उस पर उसे भरोसा हुआ। क्यों भरोसा हुआ, उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा था। ओके, आल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस मतलब जो उसने कंक्लूजन निकाले, आल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन बीइंग, अच्छा ये लंबा छोटी लाइन है, चलो इसको फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रही है। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस, कह रहा है और जो कन्फर्मेशन था उसके इन्फ्रेंसेस का, इन्फ्रेंसेस मतलब जो उसने अपना कंक्लूजन निकाला था उसका जो कन्फर्मेशन था फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ऑन सक्सेसिव जनरेशन, सक्सेसिव मतलब जो एक के बाद एक जनरेशन आ रही है ऑफ हिज टेस्ट प्लांट, ठीक है कहानी समझना, इतनी लाइन को पहले समझते हैं। कह रहा है जो कन्फर्मेशन था उसका इन्फ्रेंसेस का फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन, अब क्या हुआ एक के बाद अगली जनरेशन पे वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो उसके टेस्ट प्लांट था, प्रूव दैट उन्होंने प्रूव किया हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन बींग अनसबस्टेंशिएटेड आइडिया। वो कह रहा है उन्होंने एक जनरल रूल दिया इनहेरिटेंस का, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है प्लांट के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ एक जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट हुआ रेदर देन, बजाय इसके कि अनसबस्टेंशिएट, इसको हम समझ सकते हैं अनसबस्टेंशिएट मतलब जो एक रैंडम डाटा होता है या रैंडम हमारी एक सोच हो गई, ऐसा नहीं है कि एक रैंडम उठा करके कुछ भी अनाप शनाप डाल दिया, ऐसा नहीं है, उन्होंने एक जनरल रूल दे पाए, पॉइंट किया जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो क्या कर रहे थे टेस्ट करते चले गए, उसकी वजह से एक जनरल रूल आ पाया, बजाय इसके एक अनसफल मतलब एक होता ना एक आइडिया डेवलप होता है वो ना होकर के एक जनरल रूल आया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये कहानी यहां पर आई समझ में कि जनरल रूल आया कैसे, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करते चले गए एक्सपेरिमेंट करते चले गए। फिर क्या कह रहा है ये, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट। अब वो क्या कह रहा है, यहां पर एक कहानी ये हो गई कि उन्होंने जनरेशन आफ्टर जनरेशन किया, फिर क्या कह रहा है, मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किए कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट, कौन से कैरेक्टर, मेंडल ने वो कैरेक्टर लिए जो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करना करने का मतलब होता है अपने आप को शो करना, वो कैरेक्टर जो अपने आप को शो करते थे और बिल्कुल अपोजिट थे, एज टू अपोजिंग ट्रेट, ट्रेट मतलब होता है लक्षण, लक्षण या उसके गुण, तो जो बिल्कुल दो अपोजिट गुण अपने आप को मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब दिखाते थे शो करते थे, उसको उन्होंने लिया। जैसे कि हम यहां पर सब समझ सकते हैं कि जो पॉड कलर है, पॉड मतलब जो मटर के ऊपर का जो खोकल होता है, एक ग्रीन ले लिया, येलो ले लिया, या तो वो फुल फ्लैट होता है या सुखड़ा हुआ होगा, या फ्लावर है बिल्कुल वायलेट होगा या वाइट होगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो बिल्कुल अपने आप को अपोजिट दिखा पा रहे थे वो करेक्टर उसने लिए। क्लियर बात, एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया, लंबा और छोटा प्लांट लिया, येलो और ग्रीन सीड लिया, कौन सा लिया, सीड के कलर में एक येलो लिया ग्रीन लिया, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या लिए, दो बिल्कुल अपोजिट करेक्टर, उससे क्या हुआ एनालाइज करना, जनरलाइज करना चीजों को आसान हो गया। क्या हुआ इससे, दिस अलाउड, यानी कि जो उसने बिल्कुल दो अपोजिट करेक्टर लिए इसने उसको अलाउ किया, यानी कि आसानी कर दी, दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। अच्छा, जिस टाइम पे ये रियलिटी है, जिस टाइम पे मेंडल ने वर्क किया था उस समय कुछ और भी साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो कंट्रास्टिंग करेक्टर ना लेकर के कुछ ऐसे करेक्टर ले लिए थे जो मिक्सअप हो जा रहे थे, ठीक है, और जो मेंडल के करेक्टर थे वो इस समय क्या थे, मिक्सअप नहीं हो रहे थे, बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे थे, तो इसकी वजह से मेंडल जनरल रूल फ्रेम करने में कामयाब रहे। बात समझ में आ रही है, तो साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, इसी वजह से वो क्या है जनरल रूल्स का एक फ्रेमवर्क, एक सांचा तैयार कर पाए कि हाँ ये रूलिंग है इनहेरिटेंस की। बात समझ में आ रही है, विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट, जो कि लेटर मतलब बाद के साइंटिस्ट के द्वारा वो
एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ाया गया टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो उन्होंने रूल दिए वो रूल नो डाउट हर जगह वैलिड नहीं थे, कुछ उसके अंदर खामियां थी जो बाद में समझ में आई थी। हम पढ़ेंगे लिंकिंग और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको, हम लोग क्रॉसिंग ओवर तो यहीं आ जाएगा, लिंकिंग का कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे। तो साफ साफ कह रहा है कि जो इन्होंने रूल्स दे दिए विच वॉज एक्सपेंड, उसको बाद में और बड़ा किया गया उस रूल को, रेगुलेशन को, बाय लेटर साइंटिस्ट, जो बाद के साइंटिस्ट है, टू अकाउंट फॉर द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की, यानी कि हम देखेंगे यहां पर क्या था, एक बिल्कुल वायलेट है और बिल्कुल एक व्हाइट फ्लावर है। ठीक है ना, फ्लावर यहां कैसा है, बिल्कुल वायलेट और व्हाइट है। इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे, एक हम लोग प्लांट की बात करेंगे जिसमें एक फ्लावर व्हाइट है और एक फ्लावर रेड है, और जब क्रॉस ओवर कराते हैं तो बीच में हमको पिंक मिल जाता है, ना व्हाइट मिलेगा ना रेड मिलेगा, वो क्यों आया। तो यानी कि देखो साफ बोल रहा है, अकाउंट मतलब जिम्मेदारी, अकाउंट मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, यानी कि जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया, थोड़ी सी चीजें उसमें और ऐड करी, जिससे कि जो डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कुछ जो इससे हटके ऑब्जर्वेशन भी जो हमको दिखाई दे रही है वो भी उसके अंदर क्या हो सके, इंक्लूड हो सके। ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम, सीधी सी बात ये हो गई कि जो इन्होंने रूल दिए बाद में साइंटिस्ट लोगों ने उसको और एक्सपेंड किया, ताकि जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है एंड कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम, जो इनहेरिटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि कुछ चीजें ऐसी थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो भी एक्सप्लेन की गई, और जो कुछ और ऑब्जर्वेशन जो यहां से हटके ऑब्जर्वेशन हमको दिखाई दे रहे थे वो भी हमको क्या मिले, सॉल्व हो गए इनके कुछ एडिशनल चीजें और ऐड करने से, जो बात के साइंटिस्ट ने करी वो अभी हमारे मतलब की नहीं है, अभी हम उसको नहीं जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या ऐड किया, ऐड किया तब जाकर पूरा कंप्लीट हुआ नो डाउट, लेकिन वो अभी हमारे मतलब की नहीं है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित रहना है, मेंडल तक सीमित रहना है। क्लियर है, ठीक है, तो आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। अब देखो यहां पर कुछ वर्ड आने वाले हैं हमारे पास, समझते हैं उसको आखिर मेंडल, अब यहां बात स्टार्ट हो गई है, मेंडल ने ये किया कैसे, क्या बात स्टार्ट हो रही है, मेंडल ने ये किया कैसे, कह रहा है मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, उसने पॉलिनेशन कैसे किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन समझते हो ना, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है कि एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का गिरना। आर्टिफिशियल कैसे होगा, आर्टिफिशियल देखो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग फोर्सेप्स या चिमटी से जो ये फूल बड़ा हो जाएगा इसके इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, ये जो इस पार्ट को तोड़ करके, और दूसरा मान लो ये एक फ्लावर है और हम लोग एक दूसरा फ्लावर ले लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसका वाला ये तोड़ेंगे और इसके ऊपर ऐसे लाके झाड़ देंगे, तो इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिर जाएंगे, ठीक है, तो इसके पॉलन ग्रेन इस वाले फ्लावर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, इसी के अंदर तो ये क्या पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है, और ये कौन सा पार्ट है, इसको ओवरी कहते हैं, याद है कुछ थोड़ा बहुत या भूल गए, आएगा इसमें आगे हम देख लेंगे इसमें, तो ये क्या है, ओवरी है और ये क्या है, मेल है। इसके अंदर से जो एग होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, वो यहां से आते हैं, फिर यहां से आकर यहां फर्टिलाइज होता है, पूरी प्रोसेस है, समझेंगे, क्लास 11th में एंजियोस्पर्म ने हमने इसको थोड़ा सा समझा हुआ है पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को आगे आते हैं। अब यहां पर देखो कुछ चीजें समझनी है हमको, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब सिंपल पॉलिनेशन, सेम सेम फ्लावर है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, एक फ्लावर दूसरा है और दूसरा फ्लावर दूसरा है, यानी कि दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस, बात समझ में आ रही है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो गया, ऐसे समझ लो ये एक प्लांट है, एक प्लांट ये है, ये फ्लावर वन है और ये फ्लावर टू है, जब हम लोग इस प्लांट के फ्लावर के एंथर को इस फ्लावर में डाल देंगे तो क्या कहलाएगा, क्रॉस कहलाएगा ये, अगर सेम सेम इसी फ्लावर को इसी फ्लावर में डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल पॉलिनेशन कहलाएगा। क्लियर है, तो कह रहा है उसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन किया अपने एक्सपेरिमेंट में यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस क्या होता है, ठीक है, आओ इसको समझ लेते हैं, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस क्या है, तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस क्या होती हैं, समझते हैं इसको। देखो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है, मान लो हम लोग एक ये रहा मटर का दाना, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, 8-10 ले लिया, हमने क्या ले लिया, ऐसे 8-10 मटर के दाने ले लिए, उसको हमने क्या कर दिया, बो दिया, है ना,
क्या कर दिया हमने उसको जमीन में डाल के और अच्छे से खाद पानी लगा दिया, और कुछ समय के बाद ये क्या हो गए, हमने इनको बो दिए और कुछ समय बाद ये सब के सब क्या हो गए, प्लांट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि ये चार पांच छह सात दाने थे, मान लो चार दाने हैं, ये चार दाने प्लांट में बदल गए। अब ये कुछ प्लांट इसके अंदर क्या हुए, क्योंकि इसके अंदर दो वैरायटी पाई जाती है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है। मान लेते हैं इसमें एक प्लांट छोटा हुआ और दो प्लांट या छोटे हो गए पांच में से, हमने इन दोनों के मटर के दानों को नहीं लिया, इन तीन के जो मटर थी इनके दानों को, मतलब दाने नहीं इनके फूल, इनके फूलों को आपस में क्या कराया, या फिर यूं कह सकते हैं कि इनके जो फूल थे उनको हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा करके, या इनकी जो मटर थी इनको हमने क्या कर दिया, इनकी ही मटर को लिया और वापस से हमने क्या कर दिया, बो दिया, क्या कर दिया, वापस से हमने बो दिया। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है हमको, साफ साफ सी बात है, हमने पहले कुछ बीज बो दिए, उसमें से कुछ छोटे निकले कुछ टॉल निकले, ठीक है। अब क्या होगा, हमने केवल टॉल वाले ले लिए, कौन से ले लिए, टॉल वाले, और इनको फिर से बो दिया। अब हम क्या देखते हैं, इन्हीं टॉल वाले, मान लो अब ये तीन में से टॉल टॉल थे सारे, इसके अंदर चार चार कुछ और 15-20-50 बीज होंगे, वो हमने वापस से बो दिए। अब ये फिर से 20 प्लांट जो उगे, हमने क्या देखे, इस 20 प्लांट में कुछ प्लांट छोटे थे और कुछ प्लांट बड़े थे। क्यों ऐसा रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके अंदर वो करेक्टर होंगे जो छोटे वाले करेक्टर होंगे। फिर से हमने क्या कर दिए, छोटे वाले प्लांट को हटा दिए, बाकी के जो थे बीज उन प्लांट के बीज लेके फिर बो दिए हमने, फिर उसके अंदर से कुछ छोटे प्लांट होंगे उनको हम लोग हटाते चले गए। तो हुआ क्या, इस तरीके से हम लोग 10-15 बार 12 बार जब करते चले गए, तो एक टाइम वो आ गया, हमने क्या देखा कि सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल। अब उसको मैं जितनी बार भी ग्रो करा रहा हूं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, टॉल प्लांट। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जब इनमें इसके फ्लावर में और इसके फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा ना, तो इसके अंदर भी टॉल वाला करेक्टर है, इसके अंदर भी टॉल वाला करेक्टर है। अब दोनों के अंदर क्या है, टॉल वाले ही करेक्टर है, छोटा वाला करेक्टर धीरे धीरे हम लोग हटाते चले गए हैं। तो अब क्योंकि दोनों के अंदर टॉल वाले करेक्टर हैं, तो हमने मान लिया ये कैसी है, प्योर हो गए, ये क्या बोल दिया इसको, प्योर हो गए। अच्छा, हम लोग क्या करा रहे हैं बार बार, इनके इनके फ्लावर आपस में क्या करते हैं, पॉलिनेट, इसके इसके पॉलिनेट करते हैं, क्योंकि छोटे वाले हटाते जा रहे हैं, तो इनके ही फ्लावर तो आपस में पॉलिनेट कर रहे होंगे। तो एक तरह से हम लोग कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ब्रीडिंग तो हो रही है, यहां पर ब्रीडिंग हो रही है। तो ब्रीडिंग करते करते हम प्योर एक ऐसी हम लोगों ने बीज की उपज कर ली, जो सिर्फ और सिर्फ कैसी है, टॉल है, छोटे वाले हटा दिए। इसी वाले जो ब्रीड का नाम पड़ गया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, क्या बोल दिया इसको हम लोगों ने, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब इसका बीज तुम अगर जब डालोगे बोने के लिए, तो टॉल प्लांट ही होगा डेफिनेटली, बात समझ में आ रही है। तो देखो यही बात वो कह रहा है यहां पर कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस, ये बात समझ में, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस क्या है, ये ऐसी नहीं आ गई थी, इसको कम से कम कई बार, कम से कम 12 से 15 बार हम लोग बीज को बोते चले गए, छोटे वाले हटाते चले गए, तो जितने बड़े वाले थे वही तो आपस में क्रॉस करेंगे, नेचुरल क्रॉस करेंगे, या जानबूझकर करवा दें हम लोग। तो हर बार जो छोटे वाले थे उसको हम लोग क्या करते चले गए, हटाते चले गए। इसका जो रीजन है, कॉज है, उसको भी अभी हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ होगा, उसका कॉज समझेंगे अभी हम लोग। तो क्या कह रहा है ये, ट्रू ब्रीडिंग लाइन समझ में आया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया, क्रॉस एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। अच्छा, सेवरल का मतलब उसने किस किस की बनाई, उसने टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे, कितने कैरेक्टर लिए थे, 7, एक टॉल, टॉल की ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, एक्सियल फ्लावर जो एक्सिस पे होंगे, ठीक है ना, और यह है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब फ्लावर कहां हो रहे हैं, एकदम एंड में जाकर के, और एक्सियल मतलब फ्लावर कहां हो रहा है, साइड साइड में हो रहे, प्लांट मेरा बढ़ता चला जा रहा है। इसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, इसकी ग्रीन वाले की ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, फुल जो पॉड है मेरा उसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, वॉलेट कलर वाले की बनाई, येलो वाले की बनाई, और राउंड वाले की बनाई, टोटल कितने थे, 7। और इसको बाद में उसने डोमिनेंट करेक्टर कहा, क्यों कहा डोमिनेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 7 उसने क्या बनाई, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, इसीलिए कहा गया है ही, क्या कह रहा है वो एनसीईआरटी अपनी, ही यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, सेवरल का मतलब समझ में आया, इसने टोटल 7 बनाई, क्लियर है। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन, अब बता रहा है, देखो यहां डेफिनेशन दे रहा है, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। देखा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है आपस में, छोटे वाले हटाते जा रहे हैं, बड़े वालों में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, छोटे वाले हटाते जाओ, बड़े वालों में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। कंटिन्यूस अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन
ठीक है, फिर कह रहा है shows the stable trait inheritance. अब stable trait inheritance का मतलब क्या हो गया? लास्ट में मैंने क्या बताया था, लास्ट में वो कंडीशन आ गई थी कि हम इसको जब भी बोल रहे थे हमारे पास क्या आ रहा था, टॉल का टॉली आ रहा था. तो अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया. अब इसमें कोई भी छोटे वाले कैरेक्टर नहीं रहे, सबके सब क्या हो गए, छोटे वाले कैरेक्टर खत्म हो गए इसके अंदर. क्लियर है बात? तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस. क्लियर? एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन. ठीक है, तो क्या कह रहा है, शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, जो कि कई जनरेशन तक वो अपना क्या है, एंड एक्सप्रेशन फॉर क्या कह रहा है ये, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन डेट हैविंग अंडरगोन कंडीशन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस जो लक्षण थे उसके, और उसके जो एक्सप्रेशन थे, ठीक है ना, फॉर सेवरल जनरेशन मतलब कई सारी जनरेशन के लिए उसके ये लक्षण क्या हो गए थे, सेफ हो गए थे, सुरक्षित हो गए थे, और वो लगातार जब भी हम उसको बोएंगे तो वो वही करेक्टर दिखाएगा, टॉल है तो टॉल दिखाएगा, अगर कोई और गुण है जैसे एक्सेल वाला है तो एक्सेल दिखाएगा. क्लियर आगे बात? ठीक है ना, यानी कि उसके जो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब जो उसका ऊपरी अपीयरेंस है बिल्कुल वही दिखाएगा. ठीक है, बात समझ क्लियर हो गई? आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन. अच्छा, मैंने सात कहा, सात इसलिए कहा मैंने क्योंकि जो उसने ये वाली जो थी इधर वाले सात, भाई जो इसके अपोजिट वाले हैं, यानी कि ये सात कैसे हो गए, काउंट करेंगे अगर यहाँ पर हम लोग, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ठीक है ना, तो उसने ये तो थे एक वाले, और इसके जस्ट अपोजिट वाले वो भी तो सात होंगे, ठीक है ना, इसके जस्ट राउंड है तो रिंकल्ड, ये भी एक दो, तो सात इधर और सात इधर, टोटल उसने कितने तैयार किए, 14. तो याद रखना टोटल उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन कितनी तैयार की थी, 14. तो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेरिएंट, ये अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास ये. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से मतलब क्या है, एनसीईआरटी हमारी क्या कहना चाह रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो रखा हो और स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, फॉर सेवरल जनरेशन, जो शो करता है हमको एक खास गुण और एक्सप्रेशन कई सारी जनरेशन तक, तो हम लोग कह देते हैं कि ये अब मेरी क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन है. आगे आते हैं, ओके, उसने 14 प्लांट वैरायटी यानी कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन इस्तेमाल करी एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट. ठीक है ना, तो साफ साफ कह रहा है एक टॉल है तो एक ड्वार्फ हो जाएगी. ठीक है, तो क्या कह रहा है, रीड कर लेते हैं फिर से, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज, 14 उसने इस्तेमाल की एज पेयर्स जोड़े में, एक टॉल तो एक ड्वार्फ, विच वर सिमिलर जो कि एक जैसी थी, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब क्या था, सेम था, ये टॉल है तो ये ड्वार्फ है, बस यही एक कैरेक्टर अलग होगा, बाकी सारे क्या होंगे इसके अंदर, सिमिलर होंगे. ठीक है, विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल अपोजिट, कंट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल अपोजिट. आगे आते हैं, क्या कह रहा है, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल सीड, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड फुल और कंस्ट्रिक्टिव ग्रीन. ठीक है, ये उन्हीं की बात कर रहा है जो मैंने यहां पे गिना दिए, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, आओ देखें क्या थे हमारे पास. देखो, राउंड और रिंकल सीड दो तरह के होते हैं, तुमने देखा एक राउंड सीड होते हैं, और तुम लोग जब देखते हो कुछ मटर प्लांट होते हैं उनके जो बीज होते हैं सुकड़े हुए होते हैं. ठीक है, कुछ के बीज पीले होते हैं, मटर आते हैं ना मार्केट में पीली पीले उसके दाने वाली, और एक ग्रीन है. अच्छा, जिन लोगों ने मटर का पौधा देखा होगा उनको ये बात पता होगी, कुछ में हमें वायलेट फ्लावर मिलते हैं और कहीं पे वाइट मिलते हैं. पॉड का शेप, पॉड मतलब जो उसके ऊपर का कवरिंग होती है मटर की, कुछ में तो क्या होती है पूरी फुल, फुल मतलब एकदम फ्लैट होती है, टाइट सी रहती है, और कुछ में क्या रहती है सुकड़ी हुई रहती है, जैसे बीज के ऊपर नहीं जैसे सांचा चढ़ा दिया हो. पॉड के कलर की बात करें तो कहीं ग्रीन होता है, किसी में येलो पाया जाता है. फ्लावर की पोजिशन की बात करें, अगर फ्लावर बिल्कुल टॉप पर है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है अंत, एंड पे, और एक्सियल मतलब यहां पे किसी के एक्सिस पे होगा, ये एक्सिस, ये आ गया एक्सियल. क्लियर है बातें? टॉल हाइट की बात करें तो एक टॉल हो जाएगा और एक डॉर्फ हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अब उन्होंने उसकी वही बात कर दी, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वर, कौन से सिलेक्ट किए गए, स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉड, एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट, फिगर 5.1, टेबल 5.1. तो टेबल यहां पर आई थिंक कहां गई, टेबल नेक्स्ट पेज पे है.
ठीक है, ये देखो ये टेबल तुम लोगों को याद करनी है, ठीक है ना। सात कैरेक्टर कौन से थे, ठीक है, कैरेक्टर कौन से हैं, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। कैरेक्टर लक्षण की बात करें हाइट में छोटा बड़ा, कलर में वॉलेट, फ्लावर के कलर की बात करें तो वॉलेट व्हाइट, फ्लावर पोजिशन की बात करेंगे तो एक्सियल और टर्मिनल, पॉड के शेप की बात करेंगे तो इन्फ्लेटेड मतलब बिल्कुल फ्लैट होगा और कंस्ट्रक्टेड या सुखड़ा हुआ होगा। पॉड के कलर की बात करेंगे तो ग्रीन और येलो हो सकता है। सीड शेप की बात करेंगे तो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है। सीड कलर की बात करेंगे तो येलो और ग्रीन हो सकता है। क्लियर है, ये सात कैरेक्टर बिल्कुल तुम लोगों को याद होने चाहिए। चलें आगे, तो देखो यहां पर थोड़ा सा ये, चलो इसको हम समझेंगे बाद में, अभी क्या हो रहा है यहां पर। ये देखो जो बता रहा था ना मैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में फोर्स अप लेके पॉलन ग्रेन को काटते हैं, ठीक है ना, और फिर इसको लेकर के ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से वो दिखा रखा है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं इसको हम लोग इससे निकाल लेते हैं, उसके बारे में बता रखा है। आओ आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है ये। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि अभी हम इसमें से कोई एक जीन की बात करेंगे, तो टॉल की बात करेंगे या कलर की बात कर लेंगे। तो हमको सबसे पहले टॉल को लेकर के एक्सप्लेन किया गया, जिससे कि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो क्या कह रहा है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, कि आओ एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की बात करें, ठीक है, कैरिड आउट बाय मेंडल, वेयर ही क्रॉस, जहां उसने क्रॉस कराया टॉल और डॉर्फ पी प्लांट को। तो हम लोग सीधा, हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, क्रॉस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट, ठीक है। किसलिए क्रॉस कराया, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। तो हेडिंग हमारे पास क्या, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और उसमें हम लोग किसको इनहेरिट कराने जा रहे हैं, तो कौन सा करेक्टर है, हाइट का। हाइट में टॉल और ड्वार्फ दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। आगे देखते हैं क्या कहा उसने, ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। उसने क्या किया, उसने कलेक्ट किया सीड्स को प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। बात समझना, उसने क्या किया, यहां पे एक बात छुपा दी इन्होंने, वो चीज छुपी हुई क्या है, क्रॉस कराया टॉल एंड ड्वार्फ। ये जो टॉल है ना, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन का टॉल है, यानी कि इसमें कोई भी छोटे वाले करेक्टर नहीं होंगे। और ये जो ड्वार्फ है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ का करेक्टर है। बात समझ में आ रही है, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो उसने क्या किया, टॉल को क्रॉस करा दिया ड्वार्फ से, क्या कर दिया, टॉल को क्रॉस कराया ड्वार्फ से। अब क्या कह रहा है, एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। इनको क्रॉस करा करके आपस में, देख रहे हैं ना हम लोग कैसे क्रॉस कराया, मतलब टॉल वाले के हमने क्या लिए, पॉलन ग्रेन लिए, उसमें डाल दिए, फिर जो फ्लावर से सीड बने उस सीड को हमने ग्रो कराया। बात को समझना, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। हुआ क्या होगा, ऐसे समझो, एक दो प्लॉट ले लो, एक में तुम टॉल को ग्रो कराओ, एक में तुम ड्वार्फ को ग्रो कराओ। कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आई, समझ लो। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो यहां से एंथर ले लेंगे या यहां से एंथर ले लेंगे। चलो यहां से एंथर ले लिया, इसका एंथर ले करके जो टॉल वाले एंथर होंगे ना, उसके एंथर को चिमटी से हटा देंगे और इसके एंथर को ले जा करके इनके फूलों पर गिरा देंगे। बात समझ में आ रही है, इसके एंथर को ले जा करके इसके फूलों पर गिरा देंगे। अब जो इसके फूल क्या करेंगे, मटर देंगे और उसमें दाने होंगे, उन दानों को हमें चेक करना है। इन दानों को जब वापस से हम तीसरे प्लॉट में ग्रो कराते हैं, ठीक है, यहां पर जो जनरेशन आएगी, ठीक है ना, इसके एंथर को इसमें क्रॉस करा दिया या इसके एंथर को यहां गिरा दिया, फर्क नहीं पड़ता। अब जो बीज बना, क्या बना, बीज बना, उस बीज को जब हम ग्रो कराएंगे, तो यानी कि इन दोनों का क्रॉस हो गया ये। अब जो यहां से बीज बनेगा, बीज को जब मैंने उगाया, यहां पर जो प्लांट ग्रो करे, हमने क्या देखे, इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो प्लांट आए वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। क्लियर है, दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लायल वन प्रोजेनी। इसी को हम लोग फ्लायल भी कह देते हैं, फ्लायल वन प्रोजेनी, या इसको हम लोग क्या कह देते हैं, F1 भी कह देते हैं। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आई, क्या घटना घटी समझ लो अच्छे से, क्या हुआ, ये मेरे पास ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, ये मेरे पास कैसी है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ये भी कैसी है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, प्योर एकदम,
उनको आपस में क्रॉस कराया जा रहा है। इसके अंदर सारे सारे टॉल होंगे, इसके अंदर सारे सारे डॉफ वाले लक्षण होंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है ये? ठीक है, F1 जनरेशन आ गई। क्लियर है? मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल। उसने क्या ऑब्जर्व किया? सबकी सब क्या थी? टॉल थी। मैंने बताया सबकी सब क्या थी? टॉल थी। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, यानी कि कह सकते हैं हम लोग सबकी सब रिजेंबल कर रही थी अपने एक पेरेंट को। दूसरे पेरेंट का तो कहीं ना कहीं नाम निशान से मिट गया, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स है ही नहीं। ठीक है ना? तो कह रहा है लाइक यानी किसकी तरह था? अपने वन ऑफ इट्स पेरेंट की तरह था। नन वर ड्रॉफ, कोई भी छोटा नहीं था। नन वर ड्रॉफ, ड्रॉफ मतलब छोटा। फिगर 5.3, तो फिगर यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आई थिंक, ये देखो। ठीक है, टॉल को डॉफ से कराया उसने, फिर जो बीज आए होंगे उसको जब ग्रो कराया, ठीक है, तो सारे के सारे क्या, ये F1 जनरेशन। अब अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट यहां पे कह दिया, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको बता दूं मैं हुआ क्या उसके बाद। उसके बाद क्या हुआ, जितनी भी F1 जनरेशन थी ना, ये टॉल, इन टॉल प्लांट को दोबारा से लिया, इन्हीं टॉल प्लांट को, दो टॉल प्लांट ले लिए। ठीक है, यानी कि दो टॉल प्लांट को लेकर के एक टॉल ये और एक टॉल ये, दो टॉल यहीं से ले लिया F1 जनरेशन के, और इनको आपस में क्रॉस करा लिया। या हम कह सकते हैं एक फील्ड में इसको ग्रो कराया, एक में इसको कराया, फिर इनको आपस में क्रॉस कराया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर से जब हमने अब इन दोनों को क्रॉस कराया, F1 जनरेशन के पौधों को आपस में क्रॉस कराया, तो यहां पर मेरे को टॉल प्लस ड्वार्फ दोनों देखने को मिले। और जो इनका रेशो देखने को मिला, टॉल अगर तीन थे तो तीन टॉल पे मेरे को एक ड्वार्फ मिल रहा था। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि टोटल कितने थे, 1000 पौधे उगाए होंगे, तो 700 टॉल होंगे और 300 ड्वार्फ होंगे। ये मत सोचना उसने चार ही पौधे उगाए थे, पौधे उसने बहुत सारे उगाए होंगे, लेकिन जब रेशो निकाला तो तीन टॉल पे एक ड्वार्फ, मतलब जब काउंटिंग करी उसने, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल 1000 हैं तो 700 टॉल होंगे और 300 क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, तो रेशो क्या आ जाएगा, 3:1, या ऐसे समझ लें हम लोग, बात समझ में आ रही ना, 400 होंगे तो 300 टॉल होंगे और 100 क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, तो 3:1 आना चाहिए हमारा रेशो। तो उसके बाद जब पौधों का रेशो आया, यानी कि ये मेरे पास कौन सी जनरेशन हो गई, F2। तो यही है नेक्स्ट पेज पे इसने समझा रखा है। F1 के बाद वो डायरेक्ट जो बात कर रहा है यहां पर, ये कि टॉल और ड्वार्फ को लिया, तो यहां पर कायदे में लिखना चाहिए सारे के सारे कैसे आए, टॉल मिले हमको, इन टॉल को आपस में ही क्रॉस करा दिया, तो उसको कहा गया सेल्फिंग। जब इनको आपस में क्रॉस कराया तो सेल्फिंग देखा, और हमको क्या मिला, मैंने क्या बताया, जो F2 जनरेशन मिली, टॉल 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 और ड्रॉफ, यानी कि 3:1 के रेशो में मेरे को क्या मिली, यानी कि सेकंड जनरेशन में पहले जनरेशन का जो करेक्टर खो गया था वो कहीं मेरे को सेकंड जनरेशन में मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? तो बस इसी को यहां पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी वर टॉल, सारी सारी कैसी थी, लंबी थी, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, अपने एक पेरेंट्स की तरह, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट। अब जो सात ट्रेट थे ना, उसमें उसने यही देखा, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को वो क्या करता था, आपस में क्रॉस कराता, जैसे मान लो वायलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के करेक्टर को लेकर जब वो क्रॉस कराता था, तो पहली जनरेशन में सारे के सारे क्या मिलते थे, वायलेट मिलते थे, और दूसरी जनरेशन में जाकर के हमको व्हाइट मिलता था, वो भी इसी रेशो में, 3:1 में। वो सातों के सात करेक्टर को जब वो आपस में क्रॉस कराएगा तो हमको सेम रिजल्ट आएगा। पहली जनरेशन में एक करेक्टर गायब हो जाता है, दूसरी जनरेशन में एक करेक्टर, जो करेक्टर गायब हो गया था पहली जनरेशन में, वो लौट आता है, पर इसी रेशो में लौट रहा था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या कह रहा है अभी आगे, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट, जो दूसरे ट्रेट थे उनके लिए भी उसने सेम ऑब्जर्वेशन देखी। ही फाउंड डेट, उसने पाया द F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट, जो F1 था या F1 था, दोनों में से किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करेगा 100%। टॉल और डॉफ में से पूरा पूरा टॉल है ये, ठीक है ना। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन देम, दूसरे पेरेंट के लक्षण पहले वाली जनरेशन में हमको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं। फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है ये, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1। अब वही कहानी जो मैंने बता दी, उसने टॉल को आपस में ही क्या करा, इन दो टॉल को ले लिया, आपस में क्रॉस करा दिया, सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स, एंड टू हिज सरप्राइज, और उसने क्या देखा, मतलब उसको सरप्राइज हुआ, चौंक गया, फाउंड डेट, क्या देखा, इन द फ्लाइल 2, यानी कि सेकंड जनरेशन में सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ,
जो पहले वाले जनरेशन में करेक्टर गायब हो गया था उसमें हमको डॉफ मिले, द करेक्टर डेट वॉज नॉट सीन इन द एफ वन, ये करेक्टर एफ वन में नहीं था, वॉज नाउ एक्सप्रेस्ड, अब वो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, एक्सप्रेस होने का मतलब उसने अपने आप को दिखा पाया, यानी कि जाहिर सी बात है, अब एक्सप्रेस का मतलब समझ लो, एक्सप्रेस का मतलब क्या है यहां पर भाई, जाहिर सी बात है इस वाले जो टॉल प्लांट है इसके अंदर याले गुण भी होंगे छोटे वाले, लेकिन ये छोटा वाला पहली जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन सेकंड जनरेशन में जाके उसने अपने आप को शो कर दिया। अब ये कैसे हुआ होगा उसकी सारी बातें करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर डॉर्फ वर 1/4 ऑफ द एफ टू प्लांट व्हाइल 3/4 ऑफ द एफ टू प्लांट वर टॉल, यानी कि सीधी बात बोली उसने 3:1 है ना, ये 1/4 था ये 3/4 था, तो हमने 3:1 का रेशियो ले लिया, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, बच्चे लोग ज्यादातर 3:1 पढ़ के जाते हैं और कुछ बच्चे बेसिक को बोल देगा व्हाट इज द रेशियो, तो 1/4 और 3/4 ये भूल जाता है वो। इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉर्फ कितना था 1/4, हम कह सकते हैं डॉर्फ कितना है 1/4 है और ये कितना है 3/4 है, क्लियर है बातें, ऐसी भाषा में भी इस्तेमाल हो सकता है तो इसको ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं, द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप, अच्छा जो टॉल और डॉर्फ है ना, जो टॉल था बिल्कुल अपने मतलब पेरेंट्स की तरह टॉल था, जो डॉर्फ था वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह डॉर्फ था, जरा से भी चेंजेस नहीं थे, आइडेंटिकल है बिल्कुल भी, कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई भी पौधा ऐसा नहीं होगा कि एक टॉल एक डॉर्फ है कोई बीच वाली हाइट का मिल जाए, ना, या तो इसी हाइट का मिलेगा या इस हाइट का मिलेगा, बीच की हाइट का हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि बीच का कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए साफ साफ कह दिया है, द टॉल डॉर्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और डॉर्फ, None were off in between the height. कोई भी उनकी हाइट के बीच का नहीं था, क्लियर है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, सिमिलर रिजल्ट were obtained with the other traits. यही रिजल्ट हमें दूसरे ट्रेट के साथ भी देखने को मिले, that he studied, जो उसने स्टडी किए, only one of the parental trait was expressed in F1. केवल एक ही ट्रेट, एक ही लक्षण F1 में दिखाई देता था, ठीक है, वाइल F2 स्टेज बोथ द ट्रेट्स वर एक्सप्रेस, जो F2 स्टेज आती थी उसमें हमको दोनों लक्षण या दोनों करेक्टर जो पेरेंट के थे वो हमको दिख जाते थे, क्लियर है बात, ठीक है। इन द प्रपोर्शन 3:1, क्या प्रपोर्शन था 3:1 में, द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग आइदर F1 और F2 स्टेज, ये पूरा जो है तुम्हारा क्वेश्चन से भरा हुआ पैरा है ये, ठीक है। पहली चीज पेरेंटल जो होगा वो बिल्कुल पेरेंटल टाइप होगा, रेशो 3:1 होगा, किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं होगी, क्लियर है, ये तीन पॉइंट ध्यान रखना इसमें। ओके चलते हैं आगे, अब ये क्या कह रहा है आओ देखें, अब उसने जो अपना सारा ऑब्जर्वेशन कर लिया उसके आधार पर कुछ यहां पे नए टर्म्स हमारे पास क्या हुए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये टर्म्स तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास्ट, स्टेबली मतलब उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई तो चीज है जो स्टेबली एकदम स्टेबल है, पास हो रही है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यहां वर्ड नहीं लिखा हुआ है, कह रहा है पास डाउन, पास डाउन का मतलब पेरेंट से बच्चों में जा रही है, कोई तो चीज ऐसी है, ठीक है, अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और ये बदल नहीं रही है, क्योंकि भाई हमने देखा बच्चों में टॉल वाले सारे करेक्टर टॉल जैसे थे और जो सेकंड जनरेशन में आया डॉर्फ वाला वो बिल्कुल डॉर्फ जैसा था, वो बिल्कुल कैसा था डॉर्फ जैसा था। तो साफ साफ कह रहा है उसने क्या देखा, मेंडल ने प्रपोज किया कि कुछ तो है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है और पास हो रहा है पेरेंट्स टू डॉटर और पेरेंट्स टू पेरेंट्स से बच्चों में अनचेंज बिना बदलाव के फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये चीज क्या थी उसको इसका आइडिया नहीं था कि ये है क्या चीज, ठीक है, अब ये किसके थ्रू हो रहा है, उसने ये बात तो बोल दी थी साफ साफ, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी कौन सी चीज है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रही है, वो गैमेट से, क्या थे गैमेट से, तो ये बात तो जाहिर दिख ही रही थी हमको, तो उसने साफ साफ कहा कुछ तो ऐसा है जो गैमेट्स के थ्रू माँ बाप से बच्चों में जा रहा है, ओवर सक्सेसिव जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, है ना, हमने F1 F2 दोनों देखी, तो F1 में भी टॉल थे F2 में भी टॉल था और बिल्कुल माँ बाप की तरह था, तो यानी कि कोई तो ऐसी चीज है जो एकदम स्टेबल है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। उसको पता नहीं था क्या है,
ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स. उसने इसको क्या नाम दे दिया? फैक्टर बोल दिया. तो हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि मेंडल फैक्टर से क्या समझते हो, तो मेंडल फैक्टर्स कुछ और नहीं है, क्या है? जीन्स. नाउ वी कॉल देम एज जीन्स. आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? जीन्स के नाम से जानते हैं. कहानी समझ में आई? उसने देखो कितना दिमाग लगाया अपना, ठीक है ना? तो ये सारी कहानी समझ में आना चाहिए कि एनसीईआरटी कैसे बता रही है उन चीजों को. ओके, जीन्स देयरफॉर, जीन्स इसलिए आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इसलिए कहा गया जीन्स क्या है? इनहेरिटेंस की यूनिट है, वो चीज है जिसके थ्रू इनहेरिटेंस होगा. दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, दे मतलब जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है डेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि जरूरत है. दे कंटेन द इंफॉर्मेशन डेट इज रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत है टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कोई एक खास ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, है ना? इसी जीन्स के अंदर यानी कि टॉल वाला करेक्टर होगा, है ना, कलर वाला करेक्टर होगा. तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है जो कि दिखाई पड़ेगी, एक्सप्रेस होगी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर. आगे आते हैं क्या कह रहा है, ये बात यहां खत्म होती है. जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स. अब उसने यहां पर दिमाग लगाया, इसको थोड़ा समझाता हूं मैं क्या हुआ आखिरकार. ये एलील्स मतलब क्या होता है? डेट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स. एलील्स का मतलब क्या है? दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. एक ही जीन्स के, यानी हम कह सकते हैं इसे अल्टरनेटिव ऑफ जीन्स बोल देते हैं, तो एलील्स बोल देते हैं. एक ही जीन्स के दो पार्ट कह सकते हैं हम लोग इसको. इसको कैसे समझा जाए, देखो बताता हूं मैं इसको. इसको उन्होंने फिर क्या किया, क्रॉस करके पूरा समझाने की कोशिश की है, उसको मैं यहां बताता हूं. आगे पैरा वही आने वाला है, तो पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं. इन्होंने एक जिक्र किया एलील्स और समझाने की कोशिश की टॉल और ड्वार्फ कैसे. अब उसको समझाना भी तो है कि टॉल और ड्वार्फ कैसे, हाउ. तो आओ देखें जरा कैसे. तो देखो उसने क्या कहा, एलील्स एक वर्ड आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेटिव्स ऑफ जीन्स. यानी कि मेरे पास कैरेक्टर क्या है, मेरे पास कैरेक्टर है टॉल. तो उसने कहा पक्का टॉल के लिए ना दो जीन्स होंगे. टॉल के लिए क्या होंगे? दो जीन्स. उसने कहा एक जीन्स कैपिटल टी ले लिया, जो सॉरी टॉल नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कैरेक्टर क्या है मेरे पास, हाइट. कैरेक्टर क्या है मेरे पास? हाइट. हाइट के लिए दो जीन्स होंगे, एक टॉल और एक टी. ये रिप्रेजेंट करेगा टॉलनेस को और ये रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फ को, ठीक है. फिर उसने इसको कैसे एक्सप्रेस किया, उसने कहा कि जब ट्रू ब्रीडिंग लाइन होगी, क्या होगी? ट्रू ब्रीडिंग लाइन होगी तो टॉल के अंदर केवल क्या होगा, टी और टी होगा. और इसको जब क्रॉस कराएंगे और ड्वार्फ के अंदर केवल क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा, ठीक है. ये पेयर में मौजूद रहते हैं. जब गैमेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमेट्स, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो गैमेट्स बना एक, है ना भाई, जैसे कि हमारे जब गैमेट्स बनते हैं हमारे अंदर 46 क्या है क्रोमोसोम है, तो वो अलग होकर 23 और 23 हो जाते हैं. तो उसने कहा ये सेपरेट हो जाएंगे, यहां पे भी क्या हो जाएंगे, छोटा टी एक और छोटा टी दो. अब उसने कहा कि जो पहली जनरेशन है कैसे बनेगी, इसका इससे क्रॉस होगा, इसका इससे क्रॉस होगा, इसका इससे क्रॉस होगा और इसका इससे क्रॉस होगा. तो देखो क्या बना, जब ये दोनों पेयर मिले आके, एक मान लेते हैं हम ये टॉल वाले को क्या मान लें, एक को मेल मान लें और एक को फीमेल मान लें, ठीक है ना. तो दोनों के आपस में आके कंबाइन करेंगे गैमेट्स, तो ये बनेगा टी और टी, ये बना टी और टी, ये बना टी और टी और ये बना टी और टी. तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि सबके अंदर ये मिक्सअप हो गया ये, लेकिन ये सारे के सारे थे कैसे F1 में, सारे कैसे थे, टॉल थे. तो उसने कहा कहीं ना कहीं जो कैपिटल टी है वो छोटे टी को दबा दे रहा है, छोटे टी को कह रहा है कि तू अपने करेक्टर नहीं दिखाएगा, मैं तुझसे ज़्यादा डोमिनेट हूँ. ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाला है. अच्छा, फिर उसने क्या किया, F1 जनरेशन के दो उठा लिए, टी को क्रॉस कराया टी से, ठीक है ना, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, दो यहां से उठा लिए उसने F1 के. अब यहां से जब गैमेट्स बनेगी, जब गैमेट्स बनेंगे यहां पर, तो देखो क्या बनेगा, टी और टी और क्या बनेगा, टी और टी. अब क्रॉस करा दें इसका 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 और इसका. तो देखो ये क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी,
ये क्या आएगा कैपिटल टी शॉर्ट टी, ये क्या आएगा कैपिटल टी शॉर्ट टी, और ये क्या आएगा शॉर्ट टी और शॉर्ट टी। तो देखो साफ साफ बात समझ में आ गई हमको कि इन तीन में कैपिटल टी है तो ये तीन तो क्या हो जाएंगे टॉल, और इसमें दोनों छोटे टी है तो ये कैसा हो जाएगा डॉर्फ। तो यहां से उसने एक बात समझाने की कोशिश की कि जो डॉर्फ वाला है ना वो कहीं ना कहीं कैपिटल वाले से दब जाता है, यानी कि जब ये डॉर्फ वाले दोनों एक साथ होंगे छोटे टी तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन अगर ये किसी बड़े के साथ हैं तो छोटा वाला अपने कैरेक्टर छोटा टी वाला अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस कि एक डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर, जो डोमिनेट करेगा वही अपने कैरेक्टर को शो करेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यही सारी बातें जो मैंने यहां समझाई हैं यही सारी चीजें किस में आने वाली हैं आगे पैरा में आने वाली हैं। चले आगे ओके, तो चलते हैं क्या कह रहा है वो देखें। ये अब क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, सिंबल हमने इस्तेमाल किए अल्फाबेटिकल सिंबल टी और टी, ये हमने इस्तेमाल किए साफ साफ दिखाया मैंने इसको, ठीक है। कह रहा है इफ वी यूज अल्फाबेटिकल एबीसीडी सिंबल, कलर चेंज कर लें, अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन्स देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर ट्रेड एक्सप्रेस्ड एट द एफ वन स्टेज एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेड, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल को यूज करें देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेड एक्सप्रेस्ड एट एफ वन स्टेज एंड स्मॉल अल्फाबेट फॉर द ट्रेड फॉर द अदर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द हाइट टी इज यूज फॉर द टॉल ट्रेड एंड टी स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, ठीक है। तो सिंपल सी बात वो क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग अल्फाबेट कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड टी एंड टी आर एलील्स ऑफ ईच अदर, टी एंड टी क्या है एलील्स ऑफ ईच अदर, यानी कि अल्टरनेटिव ऑफ जीन्स, ये दोनों हाइट के ही जीन्स हैं एक कैपिटल और एक स्मॉल। Hence in plant the pair of alleles for height would be, height के लिए pairs of allele क्या हो सकते हैं capital T small t और small t small t। Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf P variety the allelic pair of genes for height are identical। उसने साफ साफ कह दिया, देखो यहाँ पे बच्चों बहुत कायदे ध्यान देना, उसने एक बार साफ साफ कह दी कि true breeding line में, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता था, बच्चे कह सकते सर यहाँ पे आपने दोनों एक साथ क्यों ले लिए, मैंने नहीं ले लिए, मेंडल ने साफ साफ कहा है। ये क्या कहा है आल्सो प्रपोज, उसने क्या प्रपोज किया ट्रू ब्रीडिंग में टॉल हो या डॉर्फ हो पी वैरायटी की द एलिलिक पेयर ऑफ द जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल, दोनों कैसे होंगे सेम होंगे और होमोजाइगस। देखो एक टर्म आ गया होमोजाइगस, इसको मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूं, इसको दिमाग में सेट कर लेना है। होमोजाइगस जब भी टर्म आएगा कौन सा टर्म आएगा होमोजाइगस। अब मैं कहूंगा कि मेरे पास कैसा है जो प्लांट है वो होमोजाइगस है, होमोजाइगस का मतलब क्या हो जाएगा होमोजाइगस का मतलब दोनों के दोनों एलील सेम, दोनों एलील सेम, या तो टी टी होगा या स्मॉल टी, या हम आगे रेड उसके लिए करेंगे राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, रिंकल के लिए डब्लू डब्लू, येलो के लिए वाई वाई, मतलब जब दोनों एलील सेम होते हैं तो टर्म क्या बनता है हमारा होमोजाइगस, और जब हेटरोजाइगस एक टर्म आ जाएगा कौन सा टर्म आ जाएगा हेटरोजाइगस। तो जाइगस वर्ड में साफ साफ बता दूं जाइगस वर्ड बनता है जायगोट से, किससे बनता है जायगोट से, जायगोट कब बनता है जब मेल मतलब ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है जायगोट, उस जायगोट में अगर दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस और दोनों एलील्स अगर डिफरेंट है तो हेटरोजाइगस, मान लो टी और टी अभी दोनों अलग अलग हैं तो हेटरोजाइगस हो गया, ठीक है। फिर टी और अच्छा ये तो हेटरोजाइगस हो गया, मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपका ये क्या है ये हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस में बात करेंगे येलो के लिए रिंकल के लिए राउंड के लिए रिंकल के लिए, तो ये जब दो एलील डिफरेंट होते हैं तो समझ जाना क्या कर रहा है हेटरोजाइगस। क्यों सवाल आएगा कई बार तुम्हारे पास नीट में, व्हेन वी क्रॉस अ होमोजाइगस टॉल प्लांट विद हेटरोजाइगस टॉल प्लांट,
तो होमोजाइगस बोलेगा तब तुम ये किसको ट्रीट करा रहे हो, कैपिटल टी, और कैपिटल टी को हेटरोजाइगस टॉल, हेटरोजाइगस टॉल कौन सा होगा भैया, ये होगा। अब तुम्हें अगर होमोजाइगस हेटरोजाइगस का मतलब नहीं पता है तो क्वेश्चन गया हाथ से, क्लियर है होमोजाइगस हेटरोजाइगस। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो होमोजाइगस क्लियर हो गया, होमोजाइगस टी टी और टी टी रेस्पेक्टिवली, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप। एक और टर्म आ गया देखो, ये हमारे पास क्या है, जीनोटाइप है। मतलब कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बात को समझना जरा, मैं कह रहा हूं ये तुम्हारे पास एक प्लांट है, ये तुम्हारे पास एक प्लांट है भाई, ये प्लांट तुम्हें ऊपर से दिख रहा है ना क्या टॉल, तुम कहोगे हाँ ये टॉल है। एक प्लांट एक और बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तुमने कहा भाई ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, लेकिन मैं जानना चाहता था, ड्वार्फ तो क्लियर है, ड्वार्फ तभी होगा जब छोटा टी होगा। तो तुम कहोगे कि इसके जो जीन्स है ना वो कौन से होने वाले हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं टॉल की बात कर रहा हूं तो क्या गारंटी है कि ये दोनों कैपिटल टी वाला टॉल है या ये वाला टॉल है, इसका ही पता लगाएंगे हम आगे। लेकिन देखो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकली, हम लोग ऊपर से देख के बता रहे हैं टॉल है, हम इसके जीन्स का पता ऐसे नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं उसका तरीका आएगा बताऊंगा मैं। तो जब हम लोग केवल प्लांट को देख करके बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम लोग जो मॉर्फोलॉजिकली ऊपरी देख करके, उसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक। क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। और जब हम लोग प्लांट के जीन्स को देख के बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। बात समझ में आई, मॉर्फोलॉजी में फिनोटाइप और जब जीन्स देख के बात करते हैं तो क्या होता है, वो जीनोटाइप होता है। क्लियर है, नोट करते चले ये सब बातें, ठीक है। यानी कि ऊपर से देख के जब बात करेंगे तो मैं कहूंगा फिनोटाइपिकली, और जब मैं जीनोटाइपिकली बात कर रहा हूं तो मैं उसके जीन्स को लेकर के बात कर रहा हूं। तो देखो यहां पे साफ साफ क्या कह रहा है, ओके स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट व्हाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, डिस्क्रिप्टिव मतलब जो देख के बता रहे कि हाँ ये लंबा है, लंबा है छोटा है, आर कॉल्ड फिनोटाइप। बच्चा यही नहीं समझ पाता डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव मतलब जो हम ऊपर से देख करके बात कर रहे हैं, ऊपर से देख करके बात कर रहे हैं। क्लियर होगी, अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट व्हेन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप टी टी। अब वो कह रहा है क्वेश्चन देखो यहां पे इसने क्या राइज किया कि बताओ What then would be the, अब उस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा जिस प्लांट का जीनोटाइप टी और टी है। तो ऑब्वियसली बात है फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा वो, है ना, टॉफ तो होगा नहीं। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन इस तरह से अराइज होते हैं तुम्हारे पास। तो फिनोटाइप जीनोटाइप टर्म्स क्लियर कर लो, होमोजाइगस जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है। ऊपर आ गया एक क्या, मेंडल फैक्टर एलील्स, पहला टर्म तुम्हारे पास क्या आ गया, एलील्स, ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या आ रहा है तुम्हारे पास, होमोजाइगस जीनोटाइप फिनोटाइप, क्लियर है सारे टर्म्स ये। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है मेंडल यहां पे, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ एफ वन हेटरोजाइगोट। देखो साफ साफ कह रहा है, अब बच्चों को यहां से भाषा समझ में नहीं आती है, फिनोटाइप ऑफ द एफ वन यानी जितने भी टॉल टॉल थे उसका हेटरोजाइगोट कैसा मिला, स्मॉल टी और कैपिटल टी। भाई साफ साफ दिख रहा है ना हमको भाई, जब कराया हमको, जब ये होगा अगर जीनोटाइप ऐसा होगा तभी तो एफ टू ये पॉसिबल है, कहने मतलब समझ रहे हो। अगर जीनोटाइप हम ऐसा नहीं लेंगे तो क्या ऐसा मेरे को F2 मिलेगा, नहीं, इस F2 के बदौलत ही तो हमने इसका F1 का जीनोटाइप डिसाइड कर रहे हैं। अगर यहां से कुछ हटके जीनोटाइप होगा तो यहां पे ये जीनोटाइप नहीं होगा। अब जीनोटाइप फिनोटाइप जब भी मैं बोलूंगा दिमाग में बातें सेट होनी चाहिए, चाहो तो वीडियो को पॉज करके जीनोटाइप फिनोटाइप को दिमाग में दो चार बार दोहरा लो, जैसे कि जब भी मैं इसको डिस्क्राइब करूं अब वो तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। तो साफ साफ कह रहा है मेंडल ने क्या फाइंड किया, जो फिनोटाइप था, जो क्या था फिनोटाइप, ऊपर से दिख रहे थे ऑफ एफ1 जायगोट एफ1 हेटरोजायगोट टीटी टू बी एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ टीटी पेरेंट इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में भले ये हेटरो मतलब जीनोटाइपिकली ये कैपिटल टी स्मॉल टी था और पेरेंट कैपिटल टी था, लेकिन फिनोटाइपिकली मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों कैसे थे, यानी कि अपीयरेंस वाइज दोनों कैसे थे, एकदम एक जैसे थे। फिर क्या कह रहा है, He proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other. क्या propose किया उसने, pair में जब दो अलग अलग होते हैं, capital T एक small T,
वन डोमिनेट द अदर, एक डोमिनेट कर रहा है, साफ दिख रहा है ना हमको कि बड़ा वाला छोटे वाले को छोटे वाले कैरेक्टर दिखाने नहीं दे रहा है, तभी तो सारे सारे कैसे मिले हमको, टॉल मिले। तो ये लाइन है, इसने साफ साफ बोल दी है कि वन डोमिनेट द अदर, ठीक है, एज इन एफ वन एंड हैंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट फैक्टर, व्हाइल द अदर फैक्टर इज कॉल्ड रिसेसिव। तो अब साफ बात क्लियर हो गई, जो दूसरे को दबा देगा, दूसरे को करेक्टर दिखाने नहीं देगा, उसको हम लोग डोमिनेंट कहा करेंगे, और जो दब जाया करेगा, जो अपने फैक्टर तभी मतलब अपने आप को तभी शो कर पाएगा जब पेयर में होगा, ठीक है, जब वो पेयर में होगा तभी अपने आप को शो कर पाएगा, सिंगल अपने आप को कभी शो नहीं कर पाएगा, ऐसे को हम लोग क्या कहा करेंगे, रिसेसिव फैक्टर। फैक्टर मतलब जीन्स, है ना, आज के टाइम पे हम लोग जीन्स बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत कर जाना कि वहां तो फैक्टर लिखा है तो वो बोलेगा कि बताओ कौन सा मेंडल के, अच्छा क्वेश्चन कई बार कह सकता है कि मेंडल ने डोमिनेंट फैक्टर कहा था या डोमिनेंट जीन्स कहा था, अब तुम कहोगे यार बात तो एक ही बात एक नहीं है, मेंडल को जीन्स के बारे में नहीं पता था, उसने डोमिनेंट फैक्टर कहा था, बात समझ में आ गई, चीजें दोनों सही है लेकिन मेंडल ने फैक्टर कहा था, इस बात का दिमाग में अच्छे सेट कर लेना, मेंडल जीन्स को नहीं जानता था, नो डाउट जो फैक्टर बोल रहा था वो जीन्स थे लेकिन वो जीन्स को नहीं जानता था, मेंडल की भाषा में हम लोग हमेशा फैक्टर ही कहा करेंगे, क्लियर है। इन दिस केस टी, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज रिसेसिव, ये रिसेसिव है, ठीक है, वही सब बातें कर रहा है। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर ट्रेट्स पेयर दैट ही स्टडीड, सात के सात कैरेक्टर थे सबके लिए उसने वही सेम चीज उसने देखी कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, बात समझ में आ रही, ठीक है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो देखो उसी के आधार पर डोमिनेंट और रिसेसिव का जिक्र इसने यहां किया है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी में चले जाएं तो एनसीईआरटी में ये देखो यहां पर शुरुआत में ही उसने क्या कर दिया है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में बात कर दी है, तो इसीलिए कुछ बच्चे जब यही जानने की समझने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि डोमिनेंट का मतलब क्या है, रिसेसिव का मतलब क्या है। अब तुम यहां से इजीली समझ सकते हो, राउंड वाला डोमिनेट करेगा, तो इसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई जो मैं अभी बीच में इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है ना, वॉलेट के लिए वी आ जाएगा, पॉट शेप, ठीक है, ये ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन के लिए हम लोग जी का इस्तेमाल कर लेंगे, ये एक्सियल है, ठीक है, और ये टॉल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल टी। तो ये सारे के सारे क्या है, डोमिनेंट है, इधर वाले सारे के सारे क्या है, रिसेसिव है। तो यानी कि टॉल के लिए जो जो हमने गुण देखे या जो जो हमने ऑब्जर्व किया वही सब अगर हम सेपरेट सेपरेट इनको एनालाइज करेंगे तो वही सारे हमको चीजें दिखाई पड़ेंगी, क्लियर है बातें, ओके आगे आते हैं। आप क्या कह रही है, ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर सबके लिए, ठीक है, इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल, ये आसान है और लॉजिकल है टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव, ठीक है, वो कह रहा है ये आसान है और लॉजिकल भी है कि हम डोमिनेंट के लिए बड़ा रखें, लॉजिकल हो गया, बड़े जो डोमिनेंट है उसको बड़ा कर दें और जो छोटा है उसको टॉल कर दें, तो ठीक है, ये मतलब का नहीं है, कुछ लेने देना नहीं, यहाँ से एक बात बोल दी उसने, डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड डी फॉर ड्वार्फ, कह रहा है ये काम मत करना, ठीक है, बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर टी एंड डी आर एलील्स ऑफ द सेम जीन ऑफ द कैरेक्टर और नॉट, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कैपिटल टी समझ में आ रहा है कि हाँ एक ही के एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है टॉल की, अब डी में तुम कंफ्यूज कर जाओगे, डी में बहुत सारी चीज होती है कि ये दोनों एलिल्स है या नहीं है, यहां तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ऐसा मत करना। एलिल्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट, होमोजाइगोट मैंने बताया एलिल्स सेम होंगे, हम पढ़ चुके हैं होमोजाइगोट टीटी और टीटी, और कैन बी डिसिमिलर एज इन केस ऑफ हेटरोजाइगोट, तो हेटरोजाइगोट और होमोजाइगोट मैंने डिस्कस कर चुका हूं, सिंस अच्छा 72 कह रहा है, सिंस द टी एंड टी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेटरोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, इट इज मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन टी एंड टी इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो क्या कह रहा है, टी और टी यानी कि यहां पर हम लोग केवल एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, एक ही कैरेक्टर की जब बात हो रही है वो भी किसकी, केवल हाइट की, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, मोनोहाइब्रिड, हमने बाकी के सात में से छह कैरेक्टर छोड़ दिए, केवल एक ही कैरेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं एक टाइम पर, तो मोनोहाइब्रिड, और इस टाइप के क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं,
अच्छी बात है, क्लियर हो गया मोनोहाइब्रिड क्या है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। एक करेक्टर को लेके जब हम बात करेंगे, क्रॉस करवाएंगे आपस में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ओके, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द एफ टू जनरेशन, वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, द एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। अब देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली यहां पर और लंबा से पैर में बात कर दी, समझ लेते हैं इसको। एक इसका सार बता दूं मैं सिंपल सा, पहला क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने ऑब्जर्व किया कि रिसेसिव डैड रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग। जो रिसेसिव ट्रेट हमको मिलता है उसमें ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। ब्लेंडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि हाइट एक की इतनी है, स्टार्टिंग में एक पेरेंट की हाइट इतनी थी, एक की इतनी थी। अब ऐसा नहीं कि जो F2 में हमें डॉर्फ मिला उसकी हाइट इतनी मिलेगी, ऐसा नहीं है, उतनी की उतनी होती है। यानी कि मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही, यानी कि ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वी कैन इन्फर, यहां से हम कॉन्क्लूड, इन्फर मतलब कॉन्क्लूड कर सकते हैं, व्हेन द टॉल एंड ड्रॉफ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट, जब ये गैमेट्स बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस पढ़ रखा होगा क्लास 11th में, मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं। द एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट, एलील्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट की ही दूसरा मीनिंग क्या होता है, सेग्रीगेट। सेपरेट का दूसरा मीनिंग क्या है, सेग्रीगेट। यानी कि साफ साफ कह रहा है जब मियोसिस होगी गैमेट्स बनेंगे तो ये एलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जो मैंने पीछे ये दिखाया ना, जब गैमेट्स बने, जब ये क्या बने, गैमेट्स बने, तो ये जो दोनों एक साथ थे ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, एक इधर एक इधर। इसको जब मैंने यहां क्रॉस कराया तो ये सेपरेट हो गया, एक इधर एक इधर। गैमेट्स बनते वक्त एलील्स सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट की दूसरी मीनिंग सेग्रीगेट, सेपरेट का दूसरा मीनिंग सेग्रीगेट। क्लियर होगी बातें, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स, और गैमेट्स में केवल एक ही एलील जाएगा। क्लियर, ये बात हमने खूब देखी समझी। अब क्या कह रहा है, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील। कह रहा है अब यहां पर इसने एक नई बात बोल दी। पहली चीज तो हमको एक बात समझ में आ गई कि गैमेट्स क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब कह रहा है सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम, ये रैंडम प्रोसेस है, एंड सो देयर इज 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील एज has been verified by results of the crossing. तो 50% चांस होता है क्या होगा कि दोनों में से कोई एक एलील मौजूद हो, ठीक है ना। कुछ और भी कंडीशंस होती है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, काफी सारी चीजें और हो जाती हैं। इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टीटी प्लांट हैव द एलील टी एंड द गैमेट ऑफ द डॉर्फ टीटी प्लांट्स हैव द गैमेट्स एलील टी। तो यहाँ पे सीधा ओवरऑल मोटी मोटी बात ये कर दी है, क्या कर दी है कि जब भी गैमेट्स बनेंगे तो एलील्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और एक एक गैमेट में चले जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके आगे चलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पोलन एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू द एग, एग किसमें होगा, फीमेल में, और पोलन कहां से आता है, मेल से, आर यूनाइटेड, ये आपस में यूनाइट होंगे, फ्यूज कर जाएंगे, जायगोट बनाएंगे, डेट हैव वन टी एलील एंड वन टी एलील। यानी कि जब जायगोट बनेगा उसके अंदर एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। इन अदर वर्ड हाइब्रिड जो होगा हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वही सारी कहानी जो मैंने वहां बताई है पीछे उसको यहां पे इन्होंने लिख के समझाया हुआ है, ठीक है। सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट, अब इस हाइब्रिड के अंदर एलील्स मौजूद हैं जिनके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट ट्रेट, एक कैपिटल और एक स्मॉल अपोजिट ट्रेट है। द प्लांट्स आर हेटरोजाइगस, मैं बता चुका हूं हेटरोजाइगस मतलब क्या होता है, दोनों के अंदर जब एलील्स अलग अलग होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द, क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट द एफ वन एंड एफ टू प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। अब देखो पुनेट आए, पुनेट ने कहा कि सारी चीजें सही है, पुनेट ने क्या कहा, सारी चीजें सही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेंडल भैया जो तुम इस तरह से क्रॉस करवाते हो ये क्या है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाती है, ठीक है, बड़ी दिक्कत है इसमें, दिक्कत है कि नहीं, अच्छा ये बताओ दिक्कत है ना। तो उन्होंने कहा इसको एक काम कर लो, क्या काम कर लो कि तुम सब कुछ वैसा ही रखो, मैं पुनेट हूँ तो पुनेट के स्क्वायर बनाओ। तरीका क्या रहेगा, उसने कहा देखो एक स्क्वायर बना लो,
ठीक है, मतलब कि पहले तो ये जज करो कितने गैमेट हैं, तुम लोग क्या ले रहे हो, समझो बात को। अब पुनेट की बात कर लेते हैं, पुनेट ने कुछ ज्यादा खास नहीं कहा, उसने कहा इसी चीज को अगर हम स्क्वायर बना के करें ना, ये जो चीज है हमारे पास जो मेंडल ने ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये तो मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड में ना बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी, तो उसने कहा कि इसको हम लोग अगर स्क्वायर बना के काम करें तो स्क्वायर कैसे बनेगा, आओ देख लें, बात कर लेते हैं किसकी, पुनेट स्क्वायर की। तो देखो पुनेट स्क्वायर में क्या कह रहा है, वो कह रहा है तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है, डॉर्फ है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, ये टॉल आ गया और ये डॉर्फ आ गया। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो, किसी एक को मेल बना लो, किसी एक को फीमेल बना लो, ठीक है। अब इसमें से क्या बनाओगे तुम, गैमेट्स बनाओगे, तो यहाँ से गैमेट्स क्या बने, टी और टी, यहाँ से गैमेट्स क्या बना, टी और टी, ये क्या बन गए, गैमेट्स। बस इस गैमेट्स बनाने के बाद तुमको क्या बनाना है, पुनेट स्क्वायर बनाना है, यानी कि एक तो कितने टोटल गैमेट है, दो इधर है दो इधर है, चार है ना, तो चार खानों वाला एक स्क्वायर बना लो, तो कभी भी तुमको क्या है, गलती नहीं होगी। अब उसमें क्या है, एक तरफ रखो मेल और एक तरफ रखो फीमेल, यानी यहां पे फीमेल रख लो, यहां मेल रख लो, या यहां फीमेल रख लो, यहां मेल रखो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या गैमेट आया, टी और टी, यहां से क्या आया, टी और टी। अब सिंपल होता ना, लोग पहले इसको छुपा लेंगे, इसका इसका क्रॉस होगा तो क्या निकल के आएगा, टी और टी, इसका इसका क्रॉस होगा तो क्या निकल के आएगा, टी और टी, इसका इसका क्रॉस होगा इस खाने में तो टी और टी, इसका इसका क्रॉस होगा इस खाने में तो टी और टी। कह रहा है यहां से एक स्पष्ट एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा है, उसमें क्या है थोड़ी सी खिचड़ी हो जाती है। अब कह रहा है ये तो होगी मेरे पास F1 में सारे टॉल आ गए, ठीक है ना, तो F2 कर लेते हैं। अब जब अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 में मेरे को पता है किसको से क्रॉस कराया था मैंने, टी को ही टी से क्रॉस करा दिया था, गैमेट्स क्या बनने वाले हैं, टी टी और टी टी, एक मेल मान लो एक फीमेल मान लो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये देख लो ऐसे कर लो, ये आगे मेल से टी और टी, फीमेल से टी और टी। अब देखो इसको इसको क्रॉस कराओगे तो टी और टी, इसको इसको क्रॉस कराओगे तो टी और टी, इसको इसको क्रॉस कराओगे तो टी और टी, इसको इसको क्रॉस कराओगे तो टी और टी। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये और ये कैसे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी क्लियर दिख रही है, कैपिटल टी रेशो स्मॉल टी और रेशो टी और टी, ठीक है ना। अगर मैं गौर से देखूं तो ये दो हैं, ये एक है और ये एक है, तो जीनोटाइपिक रेशो भी साफ साफ दिख रहा है, 1:2:1। अच्छा ये रेशो क्या है, 1:2:1, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशो। ये क्या है, जीनोटाइपिक रेशो, जीन्स का रेशो। अगर मैं कहूं कि भैया नहीं मेरे को क्या चाहिए, फिनोटाइपिक रेशो, तो फिनोटाइपिक की बात करें तो टोटल टॉल कितने हैं, 3:1। तो ये रेशो क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिनोटाइपिक रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है, ये फिनोटाइपिक, यानी कि ऊपर से देखने में ये कैसे हैं, क्लियर है बातें, ये जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो। और सिंपल से क्या कर लिया हमने, पुनेट का स्क्वायर। अब देखो कितना आसान हो गया, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर कुछ बच्चे पहली बार पढ़ते हैं उनको ये करने वाली दिक्कत आती है कि ये हो गया, एक खिचड़ी सी बन गई यहाँ पर। अब पुनेट स्क्वायर में हमको चीजें क्या है, क्लियर कट और स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्लियर है, चले आगे। ओके, तो बस यहां से बात आ जाती है पुनेट स्क्वायर की। यहाँ पर जो बगल में डायग्राम है, देखो डायग्राम वही उसमें बना रखा है, स्क्वायर को तिरछा कर दिया है, ठीक है, हमने स्क्वायर को ऐसे रखा हुआ है, क्लियर है बातें, आगे आते हैं। इट वॉज डेवलप बाय ब्रिटिश जेनेट, कलर चेंज कर लें। तो अब देखो पुनेट कहाँ के थे, याद कर लेना, ब्रिटेन के थे, है ना, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनेल्ड सी पुनेट, ये इसका पूरा नाम है। तो अब ये एनसीईआरटी में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा। ये पूरा नाम क्या है इनका, रेजिनेल्ड सी पुनेट। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक प्रोसेस, ठीक है, ये ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टर्म याद रखना, पुनेट का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, ग्राफिकल है। कुछ बच्चे चार्ट के टर्म में याद करते हैं, तो चार्ट है, चार्ट नहीं है, वो पूछ लेगा ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडल्स क्रॉसेस किसने दिए थे। तो अब तुमको ग्राफिकल किसने दिए थे, तो तुमको कैसे याद है, स्क्वायर के टर्म में तुमको ग्राफिकल तुमने पढ़ा ही नहीं, तो फंस जाएगा मामला, ठीक है ना। तो उसको किसने दिया था, पुनेट ने दिया था, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। यहां से हम जितनी जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, अब वो प्रोसेस बता रहा है, गैमेट्स को हम टू साइड्स में लिख लेते हैं, यूजली द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम,
All possible combinations are represented in boxes below in the square which generate the square output form. ठीक है, वो पूरी प्रोसेस मैंने बताई, यहाँ लिख कर क्रॉस करेंगे और सारी जितनी पॉसिबिलिटी वो हमको यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अब हमको फिनोटॉपिक रेशियो और जीनोटॉपिक रेशियो साफ साफ नजर आ रहा है। क्लियर है? आगे आते हैं, क्या कह रहा है? द पुनेट स्क्वायर शोज द पैरेलल, सॉरी पेरेंटल, पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल मेल एंड डॉफ टीटी फीमेल प्लांट द गैमेट प्रोड्यूस बाय देम एंड एफ वन टीटी प्रोजनी द एफ वन प्लांट्स ऑफ जनरेटेड टीटी आर सेल्फ पॉलिनेटेड द सिंबल दिस एंड दिस आर यूज टू डोनेट द फीमेल। देखो फीमेल के लिए ये है, याद रखना, मेल के लिए ये है, एरो वाला है, ठीक है। फीमेल एग एंड मेल पॉलन ऑफ द एफ वन जनरेशन, देखो वही सारी बातें जो मैंने समझा रखी है वो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, ठीक है। पुनेट स्क्वायर शो करता है पेरेंटल टॉल टीटी को, मेल ड्रॉफ टीटी को, प्रोजेनी, फिर सारी बातें आ गई, मेल फीमेल को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऑफ एफ एन रेस्पेक्टिव द एफ वन प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेट कर देते हैं, प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ द जीनोटाइप टी एंड टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द पॉलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप टी हैव 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ द जीनोटाइप टी एज वेल एज जीनोटाइप टी। सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप टी हैव 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ द जीनोटाइप टी एज वेल एज। सारी कहानी है वही बताना चाह रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे वही सारी कहानी है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले वाले केस में ये मेरे पास क्या आया, एफ वन आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, एफ वन आ गया है, और ये मेरे पास क्या, एफ टू को क्रॉस करके ये एफ टू का रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। एस वेल एस आगे क्या कह रहा है, टी 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 टी, देखो वही सारी कहानी है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसको थोड़ा सा चलो रीड कर देता हूँ मैं, एक्सप्लेन हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसी स्क्वायर को यहाँ पर क्या है इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो समझते हैं थोड़ा सा, आओ देखें जरा। द पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल टी टी, पुनेट स्क्वायर क्या दिखा रहा है, पेरेंटल टाइप दिखा रहा है, टी और टी, ठीक है। ये देखो टी और टी और टी और टी, क्लियर है? अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, उसके बाद ये क्या कह रहा है, द गैमेट्स प्रोड्यूस बाय देम एंड एफ वन टी और टी प्रोजनी, और क्या क्या दिखा रहा है, गैमेट्स प्रोड्यूस बाय देम टी और टी, टी और टी एंड द एफ वन जनरेशन, ये रही, क्लियर है बातें? तो कुछ नहीं है, बच्चा कहता पता नहीं क्या लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, पुनेट स्क्वायर शोज, पुनेट स्क्वायर दिखाता है पेरेंटल टॉल टीटी एंड डॉफ टीटी प्लांट्स कॉमा द गैमेट्स प्रोड्यूस बाय देम कॉमा द एफ वन टीटी प्रोजनी फुल स्टॉप, तीन चीजें दिखा रहा है वो, ठीक है। द एफ वन प्लांट्स ऑफ प्रोजनी टीटी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अब हमने जो एफ वन की जनरेशन थी उसको आपस में क्या कर दिया, सेल्फिंग कर दिया, सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, टी और टी और टी टी, यहां से गैमेट्स बनेंगे टी और टी, टी और टी, और ये F2 जनरेशन यहां दिख रही है मेरे को, क्लियर है? तो वो चीज को यहां पे इन्होंने यहां पे सिर्फ क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या कह रहा है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड, द सिंबल दिस फॉर फीमेल एंड दिस फॉर मेल आर यूज्ड टू डिनोट फीमेल एग्स एंड मेल पॉलन ऑफ द F1 जनरेशन रेस्पेक्टिवली। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप टी एंड टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, जब सेल्फ पॉलिनेटेड किए जाते हैं, प्रोड्यूसेस गैमेट्स ऑफ द जीनोटाइप टी एंड टी, है ना, एक में कैपिटल टी निकलेगा उसका गैमेट में, एक छोटा टी निकलेगा उसका जीनोटाइप, ये हो जाएगा इन इक्वल प्रोपोर्शन। जाहिर सी बात है, दो कैपिटल टी हमें यहां मिल रहे हैं, एक इससे मिला, एक ये यहां से मिला, इससे भी एक टी मिला और एक स्मॉल टी मिला, इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं हमको। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द पॉलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप टी हैव अ 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ द जीनोटाइप टी एज वेल एज जीनोटाइप टी। अब देखो ये इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है और यहां से इसको भी करेगा, है ना, याले क्रॉस में देखा अगर हम लोग, तो 50% चांस है कि इसको कर दे या इसको कर दे, है ना। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर ह्यूमंस की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल होगा या फीमेल होगा हमें नहीं पता, क्योंकि जो मेल स्पर्म निकालता है उसमें 50% एक्स होते हैं, 50% वाई होते हैं, तो वो हमें नहीं पता कि कौन जाके फर्टिलाइज कर देगा। 50-50% चांस है, इक्वल अमाउंट में एक्स और वाई निकले हुए हैं जो कि कहां पहुंच गए हैं, ओवम के पास पहुंच गए। अब उनमें से कौन सा फर्टिलाइज करके पहले पहुंच जाएगा वो डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है, उसमें हमारे हाथ में नहीं है। अब ये इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। अच्छा, हमने तो यहाँ स्क्वायर बनाया हुआ है,
तो हम तो एक बार इससे कराएंगे, एक बार इससे कराएंगे, बट रियलिटी क्या है, जब नेचर में हम लोग गार्डन में होंगे तो क्या गारंटी है इससे कर रहा है कि इससे कर रहा है, तो 50% चांस है इससे कर सकता है और इससे कर सकता है। क्लियर है बात? तो बस यही बात यहां बता रहा है, ठीक है। 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी, ऑल्सो पॉलिन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप टी हैव 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ जीनोटाइप टी एज वेल एज ऑफ, यानी कि छोटे टी की बात कर लें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी से इसके चांस क्या है अगेन 50-50% ही है। क्लियर है बातें? अब क्या कह रहा है, एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप टी एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम ऑफ फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जायगोट कैन बी ऑफ जीनोटाइप टी 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 स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो रिजल्टेंट जायगोट हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास यहां सामने है रिजल्टेंट जायगोट क्या है, क्या क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हमको एक रैंडम मिला, ठीक है, फर्टिलाइज करने के बाद। अब क्या कह रहा है, From the Punnett square, it is easily seen that हम लोग देख सकते हैं 1/4 of the random fertilization leads to T or T। देखो रिजल्ट क्या आया मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, याद है ना, ये कितने थे 1 और ये कितने थे 2 और ये कितने हैं 3 और 1। टोटल अगर काउंट करूं तो टोटल कितना है, टोटल 4 पौधे हैं, 4 का मतलब मान लूं मैं अगर गार्डन में होंगे तो थोड़ी देर के लिए कितने मान लें 400 मान लें, 100 ये होंगे, 200 ये होंगे, 100 ये होंगे, है ना, तो हम मान लेते हैं अभी 4 है, तो यानी कि ये कितने 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये 50% आ गया। तो वही कह रहा है ये, इट इज सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू टीटी। अच्छा यहां पर कुछ भी नोट करने लायक नहीं है, ये पुनेट स्क्वायर का एक्सप्लेन किया गया है, यहां पर कुछ भी नीट में अनलाइक नहीं है, कोई चीज होगी तो बता दूंगा मैं, ठीक है। 50 टीटी यानी कि 1/2 कितना है, 50% टीटी है, 1/4 अगेन क्या है टीटी है, दो मतलब क्या होता है, यद्यपि द F1 हैव द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी था बट द फिनोटाइप कैरेक्टर सीन इज टॉल, उसका जो फिनोटाइप दिख रहा था कैसा दिख रहा था, टॉल दिख रहा था। एट F2 3/4 ऑफ प्लांट्स आर टॉल, अब केवल कितना देखें गौर से तो यही तो हमें टॉल दिखाई देंगे फिनोटाइपिकली, ऊपर से देखने में यही प्लांट टॉल दिखाई देंगे तो 3/4 रहेगा केवल। वेयर सम ऑफ देम आर टीटी व्हाइल अदर्स आर टीटी, इन टॉल प्लांट में कुछ कैपिटल टी है, साफ कह रहा है, और कुछ कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype T1T or TRT. कह रहा है बाहर से हम नहीं देख पता लगा सकते कि इसमें क्या कहते हैं कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी है, बाहर से देख के हम लोग पता नहीं लगा सकते। क्लियर है? Hence, within the genotypic genotypic लिख दिया है, ठीक है, genotypic pair TT Only one character T, tall is expressed. तो T और T में कौन express करता है? केवल tall. Hence the character T or tall is said to be dominate over the other allele T or dwarf character. वही सारी बातें repeat हो रही है यहाँ पर. It is thus इसीलिए due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall. और यही वजह है कि एक dominate होता है, इसलिए सारे character कैसे हैं? Tall हैं, ठीक है. And इन F2 3/4 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल, और इसीलिए क्योंकि इनमें से एक टॉल होता है, ये तो टॉल हो गए होगा, एक कैरेक्टर हमारा डोमिनेट है इसलिए यहाँ पे 3/4 टॉल होते हैं। तो बात करें अगर आगे क्या कह रहे हैं, जीनोटाइपिकली हाफ आर टीटी एंड ओनली 1/4 आर कैपिटल टी, आधे जो होते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी और आधे कैसे होते हैं स्मॉल 1/4 कैसे होते हैं कैपिटल टी। दिस लीड्स टू फिनोटाइपिक रेशो 3/4 टॉल 1/4 टीटी प्लस हाफ टीटी, 3/4 में आधे ये हैं मतलब 1/4 ये हैं और हाफ ये हैं, एंड 1/4 टीटी दैट इज 3:1 बट अ जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। तो ध्यान रखना कई सारी बुक्स में बहुत एडवांस लेवल भी दे रखा है तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं तक सीमित रहना है। द रेशो द 1/4:1/2:1/4 TTTTTT इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू फॉर्म द बायनोमियल एक्सप्रेशन AX+BY2 That has the gametes bearing genes T or T in equal frequency of half. The expression is expanded as given below. अब यहां पर ना ये इस्तेमाल हो गया मैथ्स का, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना यहां पर, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है हमको, सिर्फ हमें ये समझ लेना है कि ये जो रेशियो आया है मैथमेटिकली किस एक्सप्रेशन को बिलोंग कर रहा है, बाइनोमियल को बिलोंग कर रहा है, जो कि कुछ इस रूप में होती है AX+BY2। इतना ही रखना है, तुम बायो के स्टूडेंट हो बायनोमियल में चले मत जाना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कौन सी थ्योरम है या कौन सा एक्सप्रेशन है बाइनोमियल है,
ठीक है, रूप कौन सा है इसका, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो देखो हमें कुछ एक्सपेंड करने पर ये कुछ क्या मिल जाएगा, कर दो जरा एक्सपेंड। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये इस तरीके से और फाइनल करेक्टर मेरे को ये मिलने वाला है। इसको जस्ट एज इट इज याद कर लेना है, इससे ज्यादा हमें आगे नहीं जाना है। क्लियर है, आगे आते हैं। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट एंड फाउंड दैट, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया F2 प्लांट को। अब F2 प्लांट यानी कि सेकंड जनरेशन को भी उसने क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेटेड किया एंड फाउंड दैट ड्वार्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 एंड F4 जनरेशन। यानी कि अब आगे जनरेशन में चले जाए, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया किसको, F2 को। अब F2 की बात करें तो F2 में तो भैया TT भी है, TT भी है और TT भी है। अगर तुम गलती से इसको क्रॉस करा दोगे तो देखो यहाँ से हमें गैमेट्स क्या मिलेंगे, टी और टी मिलेंगे, और यहाँ से क्या मिलेंगे, टी और टी मिलेंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डॉर्फ बनाएंगे। हाँ, अगर इसको और इसको क्रॉस करा दिया तो सारे टॉल मिलने वाले हैं, लेकिन इसको और इसको क्रॉस करा दिया तो हमको क्या मिलने वाला है, डॉर्फ मिलने वाला है। तो वही कह रहा है वो, मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट एंड फाउंड दैट, अब सबको आपस में जब क्रॉस करा देगा तो ये वाली संभावना भी मिलने वाली है। तो इसीलिए कह रहा है कि आगे की जनरेशन में हमको डॉर्फ प्लांट मिल रहा था। He concluded that genotype of a dwarf was homozygous. और उसने क्या कंक्लूड किया कि जो genotype है dwarf का वो क्या है, homozygous है, T और T. What do you think he would give got he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? वो क्या पूछना चाह रहा है, What do you think, आप क्या सोचते हैं, He would have got, वो क्या पाता अगर उसने self-pollinate किया होता tall F2 plant को, केवल टॉल वालों को प्लांट को किया होता, जो जाहिर सी बात है उसे फिर डॉर्फ नहीं मिलता। केवल उसने F2 से क्या लिया होता, टॉल वाले उठाए होते तो उसे क्या नहीं मिलता, डॉर्फ नहीं मिलते, सीधी सी बात है। ओके, आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटाइपिक रेशो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइप कंपोजिशन। हम लोग ऊपर से देख के साफ साफ क्या पता लगा सकते हैं, फिनोटाइप के बारे में, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन के बारे में पता नहीं लगा पा रहे। अब यहां पर एक सवाल खड़ा कर दिया उसने, यानी कि कहीं ना कहीं वो बात करना चाह रहा है कि जीनोटाइप का पता कैसे लगाएंगे, कि अंदर कैपिटल टी की स्मॉल टी है या कैपिटल टी कैपिटल टी है। तो देखो साफ साफ कह रहा है, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर, ये क्लियर है दैट दो द जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके तो जीनोटाइपिक पता लगा सकते हैं, बट बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप, हम लोग सिर्फ फिनोटाइप को देखें ऊपर से और पता लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसके जीनोटाइप को पता लगा लें। क्लियर, दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल टी और स्मॉल टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम ऊपर से देख के टॉल को पता नहीं लगा सकते कि वो क्या है, कैपिटल टी है और या कैपिटल टी स्मॉल टी है। देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, अब यहां किसकी बात शुरू होने वाली है, हमको डिटरमाइन करना है क्या, जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट एट F2, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, दिस ही कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अब समझो जरा इसको क्या हुआ, ठीक है, सब लोग जरा यहां देखें बोर्ड पे, उसने क्या क्या मेंडल ने कि सीधा सीधा हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी कि हमें जीनोटाइप ढूंढना है, क्या ढूंढना है, जीनोटाइप। अच्छा, ऊपर उसने सेट कर दिया कि डॉर्फ का डॉर्फ हमेशा क्या रहेगा, होमो जाएगा, तो इसका तो जीनोटाइप जानने की जरूरत है नहीं, हमें जानना है कि जो टॉल है, ठीक है, ये भी टॉल है और टॉल ये भी है, पर पता कैसे चले कि इस टॉल के अंदर एक छोटा टी बड़ा टी है और या दोनों कैपिटल टी है। तो उसने एक टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस की क्या खासियत है, समझ लो बात को, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की क्या खासियत, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास क्या, ड्वार्फ, और एक होता है हमारे पास टॉल। तो देखो इसके रिजल्ट से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, इसके रिजल्ट से पता चलेगा, तो आओ समझते हैं इसका रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है, रिजल्ट देखते हैं। सपोज पहले हमने ले लिया कैपिटल टी और ड्वार्फ, इसको जब क्रॉस कराएंगे तो हमको सबको पता है सारा रिजल्ट क्या आने वाले हैं, टॉल आने वाले हैं। अगर एक टॉल प्लांट को हम डॉर्फ से क्या करा रहे हैं, क्रॉस कराते हैं और सबके सब टॉल आते हैं, तो डिसाइड हो गया भाई ये टॉल के अंदर दोनों के दोनों क्या हैं, कैपिटल टी है। क्लियर,
ओके नेक्स्ट देखते हैं। इस बार हमने क्या ले लिया, टी और टी, ये भी क्या है टॉल है, क्रॉस कराया किससे, टी और टी से। तो चलें पुनेट स्क्वायर पे, देखो क्या निकलने वाला है, ये आ गया टी और ये आ गया टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, ये क्या आ गया टी टी और टी टी, ये क्या आ जाएगा टी टी और टी टी, तो वो साफ साफ दिख रहा है। अब रिजल्ट में क्या आया, 50% टॉल है और 50% डॉर्फ है, क्लियर हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है अगर हिट्रो जाएगा टॉल है तो रिजल्ट मेरा 50-50 रहने वाला है, 50 टॉल और 50 डॉर्फ, लेकिन अगर होमोजाइगस टॉल है तो सबके सब क्या निकलने वाले हैं, टॉल निकलने वाले हैं। इस तरह से हम लोग टेस्ट क्रॉस की सहायता से टॉल प्लांट का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। यह बात क्लियर हो गई, क्या ये बातें क्लियर हैं? ओके चलें आगे, अब क्या कह रहा है ये, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, एक जो टिपिकल टेस्ट क्रॉस होता है एन ऑर्गेनिज्म, यहां पर हमारे पास क्या पी प्लांट है, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, एक डोमिनेंट फिनोटाइप होता है टॉल है, उसका जीनोटाइप हमें पता लगाना होता है, इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, हम लोग सिंपली उसे क्या कर रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, बजाय इसके इंस्टिंक्ट मतलब बजाय इसके कि हम उसे सेल्फ क्रॉस कराएं, हम लोग उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजिली बी एनालाइज्ड, अब इसके जो बच्चे हैं प्रोजेनी हम उसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिगर 5.5 शोज द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर द वायलेट कलर फ्लावर W इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट कलर फ्लावर W, स्मॉल W है कैपिटल W है, ठीक है ना, तो कह रहा है यहां पर देखें जा रहा फिगर 5.5, देखो यहां साफ साफ कह रहा है क्या है ये, ऑल फ्लावर्स आर, अच्छा ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव और ये क्या है हमारे पास, होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव रिजल्ट, अच्छा ठीक है ये, अच्छा ये देखो ऐसे दिखा रखा है, हमने क्या ले लिया एक वॉलेट ले लिया, ये क्या ले लिया ये वॉलेट ले लिया ये, ठीक है ना, अब इसके अंदर दो कैरेक्टर पॉसिबल है, या तो दोनों कैपिटल W होंगे या एक कैपिटल W और एक छोटा W होगा, क्लियर है, हमने एक बार दोनों कैपिटल W को जब मैं रिसेसिव वाले से कराऊंगा तो मेरे पास सारे कैसे आएंगे, ऑल फ्लावर वॉयलेट, जो पीछे मैंने यहां क्या दिखाया था कि सारे के सारे क्या आए थे टॉल आए थे, बात वही है, यहां सारे के सारे कैसे आ गए वॉयलेट आ गए, और अगर एक हिट्रोजाइगस होगा ये एक कैपिटल एक W आएगा तो यहां पर हाफ ऑफ द फ्लावर आर वॉयलेट हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट, यानी कि मैं कह सकता हूं 50% और ये 50%, ठीक है वही कहानी आ गई, कोई भी कैरेक्टर उठाएंगे टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो अगर हिट्रोजाइगस होगा तो 50-50 आएगा, होमोजाइगस होगा डोमिनेंट अगर तो सारे के सारे पेरेंट को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात समझ में आई, क्लियर है बातें, तो ठीक है यहां पर क्या यूजिंग पुनेट स्क्वायर टू फाइंड ऑफरिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस, ठीक है यूजिंग जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन फॉर टेस्ट क्रॉस, ठीक है ये सब फालतू की बातें, हम लोग आगे चलते हैं, अब देखो क्या कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है ये, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज्ड टू जनरल रूल्स, अब ध्यान रखना उसने मोनो, ये देखो कई बार क्वेश्चन आता है, उसने टोटल तीन नियम दिए थे, दो नियम निकल के आए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से और एक नियम निकल के आया था डाईहाइब्रिड क्रॉस से, तो कई बार पूछता है कि ये वाला जो रूल लॉ है या रूल है वो कहां से आया है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या रूल आया मेरे पास, प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है इसके अंदर मतलब ये तो लॉ दिया उसने, इसके अंदर क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो, टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर दो नियम आते हैं, यानी कि मोनोहाइब्रिड से हमने दो नियम निकाले लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस हमको बहुत अच्छे से पता है एक एलील डोमिनेट करेगा और एक एलील डोमिनेट नहीं कर पाता है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं, पढ़ चुके हैं पहले तो देख लेते हैं यहां लिखा भी हुआ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, ठीक है लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीन बातें हैं, कैरेक्टर कंट्रोल किए जा रहे हैं एक डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट मतलब ऐसी यूनिट जो खुद अपने आप को कंट्रोल करती है और सबको कंट्रोल करेगी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, डिस्क्रीट का मतलब ये हो गया, ठीक है इसको हमने नाम दिया फैक्टर का, फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर, फैक्टर कैसे होते हैं पेयर्स में आते हैं, इन अ डिसिमिलर पेयर
ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड अदर रिसेसिव। अगर दो वो हैं, अलग अलग हैं, तो एक क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। दो फैक्टर अलग अलग होंगे तो एक डोमिनेट करेगा और क्या, एक क्या करेगा, रिसेसिव होगा। क्लियर है? आगे आते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन एफ वन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन एफ टू। इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन 3:1 ऑब्टेन्ड एट एफ टू। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये तीन बातें जो तुमको याद रखनी है, तीन बातें क्या बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज क्या किया जा रहा है, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन एफ वन। ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर दिखाई दिया, दूसरा दिखाई नहीं दिया, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन एफ टू, और क्यों हमें F2 के अंदर दोनों कैरेक्टर दिखाई दिए। ये हमें कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है, और ये भी बताता है कि क्यों रेशो 3:1 रहा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये तीन बातें बता रहा है। बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये लॉ क्या बता रहा है, एलील्स किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं करेगा। मार्क कर लेना इस बात को, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट Both the characters are recovered as such in F2, और दोनों के दोनों character recovered होते हैं, आ जाते हैं F2 के अंदर। F1 में एक character गायब हो गया था, recessive वाला, but F2 के अंदर क्या होता है, दोनों character आ जाते हैं। Though one of these is not seen in F1 stage, कह रहा यद्यपि ठीक है एक नहीं दिखाई दिया, लेकिन F2 के अंदर हमें दोनों दिखाई देते हैं। Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factor or alleles of pair segregate from each other, तो कह रहा है पेरेंट्स के अंदर क्या होते हैं, दोनों एलील्स होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं ईच अदर, सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ये मेन लाइन आ गई कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स में दोनों एलील में से केवल एक ही एलील आता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, A homozygous parent produce all gametes that are similar. जाहिर सी बात है, अगर homozygous है तो सारे के सारे gametes कैसे होंगे, similar होंगे, एक ही type का gamete बनेगा वो। While a heterozygous one produce two kinds of gametes. अगर कोई heterozygous है, capital T small t, तो gametes दो type के बनेंगे, एक के अंदर capital T होगा, एक के अंदर small t होगा। Each having one allele with equal proportion. हर एक के अंदर क्या होगा, एक allele होगा और proportion equal होगा, यानी कि अगर एक capital T है तो एक छोटा टी होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होंगे, प्रोपोर्शन इनका क्या रहता है, आपस में इक्वल रहता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक इसको क्या करेंगे, रिवाइज करोगे, इसके टर्म्स को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, और क्या करोगे, लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि किस टर्म का क्या मतलब है, आगे बार बार इन टर्म्स का इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इसमें, लेकिन कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, एक्सप्लेन भी कर रखे जैसे प्रोनोट स्क्वायर वगैरह था, वो एक्सप्लेनेशन था पूरा, तो वहाँ पे उसको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। मेन मेन था जैसे कि अपना मेंडल है, उसके जो टर्म्स है उनको पढ़ेंगे और उनके टर्म्स को याद करने की कोशिश करोगे। तो केवल क्या करना है, मेन टर्म्स उनका कीवर्ड को अंडरलाइन करते हुए उनको लर्न करने की कोशिश करो और रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट।